ए गाइस माहौल, आई होप पढ़ाई शानदार चल रही है आपके एंड पर। नवंबर 2021 जिनके भी एग्जाम्स है, अमेंडमेंट लेक्चर्स, जी हाँ अमेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर नवंबर 2021 सीए फाइनल, सीएस फाइनल और सीएमए फाइनल। स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए, ये लेक्चर में आपके अमेंडमेंट्स कवर होने वाले हैं। जितने भी अमेंडमेंट्स फर्स्ट ऑफ नवंबर 2020 से लेकर 30th April 2021 तक एप्लीकेबल हो गए हैं, ऑल दोज अमेंडमेंट्स वी विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर विच आर रिलेवेंट फॉर योर नवंबर 2021 एग्जाम्स। बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों ने लेटेस्ट मेरे लेक्चर्स परचेज किए तो आपको ये अमेंडमेंट लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लेक्चर्स अमेंडेड है। अगर आपने नवंबर 21 या उसके लिए या मई 22 के लिए लेक्चर्स लिए तो, पर अगर आपने जो लेक्चर्स लिए थे वो अगर अपडेटेड थे टिल 31st October 2020, तो यस ये लेक्चर आपके लिए रिलेवेंट होने वाला है अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 21 या उसके बाद है तो। तो सर दिस लेक्चर विल पर्टिकुलरली कवर अमेंडमेंट्स इन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर जीएसटी एंड कस्टम्स विच इज एप्लीकेबल फॉर योर सिलेबस, और वो अमेंडमेंट्स विच आर मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020 या फिर नोटिफिकेशंस और सर्कुलर्स विच आर इश्यूड बिटवीन द डेट्स। कौन सी डेट बेटा सर? 1st of November 2020 से लेकर 30th April 2021 के बीच में जितने भी अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हो गए हैं वो सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। हाँ, लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बातें रिगार्डिंग अमेंडमेंट नोट्स। बच्चों अमेंडमेंट नोट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं अपनी वेबसाइट ymconcept.com, इसमें फ्री PDF एंड अमेंडमेंट नोट्स का जो टैब है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अमेंडमेंट्स के नाम से फोल्डर मिल, अमेंडमेंट नाम से आपको PDF फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सारे पेजेस दिखेंगे तो डर लगेगा एक बार, ओहो इतने अमेंडमेंट्स। बता देता हूँ बहुत कम अमेंडमेंट्स हैं। तो फिर आप बोलेंगे सर इतने सारे पेजेस क्यों? सर आपको पता है जो अपना मेन बुक है, कॉन्सेप्चुअल बुक जिससे आपने पढ़ाई करी है, उसके जिस जिस पेज पे जो जो चेंजेस थे, जहां पे भी अगर एक वर्ड भी चेंज था तो वो पूरा पेज मैंने स्कैन करके अपलोड किया है, और वहां पर जहां पे अमेंडमेंट था वहां मैंने ए मार्क किया, ए फॉर हाँ एप्पल नहीं होए अमेंडमेंट सी ए फाइनल सर, तो मैंने वहां ए मार्क किया है फॉर अमेंडमेंट्स। तो सर जो पेज मैंने स्कैन किया इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ही पेज स्कैन हुआ है, पूरा ही पेज पे अमेंडमेंट है, नहीं सर, उस पेज पे जहां मैंने ए लिखा है वही अमेंडमेंट है, ओके, प्लस बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। और हाँ, ये मैंने स्कैन करके अपलोड क्यों किया, क्योंकि जैसा मैं हर बार पिछले कई सालों से इसी तरह से मैं अपलोड करता हूँ, सो दैट आपके पास जो एग्जिस्टिंग बुक है उसमें आपको अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करने में टाइम नहीं लगे और बहुत इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाए। अच्छा, प्लस अगर किसी अमेंडमेंट की वजह से जो चेंजेस हुए वो दो या तीन जगह हुए, तो वो मैंने दो या तीन पेज जितने भी है वो भी मैंने स्कैन करके अपलोड किया, भले अमेंडमेंट एक जगह हुआ है, एक बार हुआ है, उसकी वजह से अगर दो या तीन जगह अमेंडमेंट का इफेक्ट आ रहा है तो वो भी मैंने स्कैन करके अपलोड किया। इन नोट्स में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल, ओके। साथ में अच्छा, ये जो अमेंडमेंट नोट्स आप देख रहे हो ये मेन बुक के, जो अपना मेन कॉन्सेप्चुअल बुक है वॉल्यूम 1, 2, 3, उसके पेजेस स्कैन करके अपलोड किए हैं कुछ दिनों में, आप वही पे वेबसाइट पे चेक कर लेना। क्वेश्चनर बुक में भी जिन जिन क्वेश्चंस में अमेंडमेंट हुए हैं इन अमेंडमेंट्स की वजह से, उनके भी पेजेस स्कैन करके सेम वे में अपलोड कर दूंगा। प्लस समरी बुक भी जैसे ही रेडी हो जाएगी हमारे पास आ जाएगी फाइनल बुक बनके, उसमें भी जहां जहां जिन जिन पेजेस पे अमेंडमेंट होंगे वो भी सेम वे पेजेस स्कैन करके अपलोड कर देंगे, वहां मार्किंग कर देंगे यहाँ यह अमेंडमेंट है, सो दैट आपके पास मेन बुक हो, क्वेश्चनर बुक हो और समरी बुक हो, तीनों में आप अपने अमेंडमेंट्स इनकॉर्पोरेट करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो और अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन रख सकते हो, क्योंकि अमेंडमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना अपनी बुक के अंदर यही अपने आप में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सो दैट आपको समझ में आ जाएगी कहाँ का अमेंडमेंट का इफेक्ट आ रहा है, ओके। चलिए शुरू करते हैं हम अमेंडमेंट्स। तो सर ये रहे अमेंडमेंट नोट्स, ये वो पेजेस जो मैंने स्कैन किए हुए बेटा, इसकी फाइल है ये वाली, क्लियर, ये देखिए ये इस तरह से पेजेस को मैंने स्कैन किए हुए। अच्छा, स्कैन करके मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट पेज है, पेज नंबर 103 अमेंडमेंट नोट्स का, ये अपनी बुक का पेज नंबर है 103, क्लियर, जिसमें यहाँ पे मैंने ए मार्क किया है ए फॉर अमेंडमेंट, तो केवल यही पर अमेंडमेंट है और कोई अमेंडमेंट नहीं, ओके। चलो तो सर सबसे पहली बात जीएसटी की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 कोई अमेंडमेंट नहीं, चैप्टर नंबर 5 ITC वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट, केवल तीन अमेंडमेंट है, वो भी बहुत छोटे छोटे, बहुत बड़े नहीं, बहुत टेंशन वाले नहीं है, ओके, सो डोंट वरी। तो सर फिर
हम चैप्टर सिक्स में बात करेंगे, केवल एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है बेटा, एक पेज पे, कोई खास नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं। चैप्टर सेवन में कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, चैप्टर एट में कोई अमेंडमेंट है ही नहीं, चैप्टर नाइन मेगा एग्जम्पशन लिस्ट, कोई अमेंडमेंट नहीं। क्लियर? चैप्टर नंबर टेन रजिस्ट्रेशन, उसके प्रोसीजर जो आधार रिलेटेड प्रोविजन थे उसमें कुछ चेंजेस हुए, वो भी बहुत मेजर नहीं। क्लियर? हम पढ़ेंगे नो डाउट सारे पॉइंट्स, पर यस, अमेंडमेंट के नाम से आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसा आपको पता है, आपने अगर कॉन्सेप्चुअली सारे टॉपिक पढ़े हैं तो अमेंडमेंट्स तो आपके लिए कोई खास बात नहीं, बहुत जल्दी से और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे और बिल्कुल भी टेंशन नहीं आती आपको। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं बात अमेंडमेंट्स को लेके। सबसे पहला अमेंडमेंट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट में सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ है बेटा वो ये हुआ है, ये था प्रोविजनल क्रेडिट, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4। अभी आप बुक की तरफ मत देखिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 जो प्रोविजनल क्रेडिट का प्रोविजन था उसमें लिखा था कि एलिजिबल क्रेडिट का 10% तक का आप प्रोविजनल बेस पे क्रेडिट और ले सकते हो अगर सप्लायर्स ने अपने जीएसटीआर 1 में कुछ इनवॉइसेस फर्निश नहीं किए तो, है ना। तो वो 10% की लिमिट को कम करके 5% कर दिया। कितना? 5%, केवल 5%। मतलब जो एलिजिबल क्रेडिट आपके जीएसटीआर 2A में आ रही है उसका एडिशनल 5% तक, एलिजिबल क्रेडिट में से 5% तक का एलिजिबल क्रेडिट आप और ले सकते हो ऑन प्रोविजनल बेसिस अगर कुछ इनवॉइसेस जो सप्लायर्स को फर्निश करने थे उन्हें अगर फर्निश नहीं किए। क्लियर? डन। तो उस लिमिट को 10% से कम करके 5% कर दिया। जब इनिशियली लेके आए थे ये लोग तब 20% का रेस्ट्रिक्शन लगाया था इन्होंने प्रोविजनल क्रेडिट पर। अच्छा, सबसे पहले जब जीएसटी आया था तब प्रोविजनल क्रेडिट पर कोई रेस्ट्रिक्शन था ही नहीं, फिर 20% कर दिया इन्होंने, 20 से 10% कर दिया और अभी 5% कर दिया। मारो ऐसा लग रहा है आपने को, तो बस एसएससी को मारना है इनको तो। क्लियर? तो कुल मिला के प्रोविजनल क्रेडिट का अमाउंट लिमिट कम कर दी, 5% कर दी। ओके, तो सर मैं आपको अमेंडमेंट बता रहा हूँ कहाँ मैंने वो अमेंड किया है। अच्छा, जो फर्स्ट पेज आपको मिल रहा है 103, ये बैरेक पोर्शन है, बैरेक पार्ट है सर। यहाँ पे जो ये अमेंडमेंट आपको दिख रहा है ये सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 4 में हुआ है, पर अभी रुकिए, इसको मैं बाद में पढ़ूंगा। पहले मैंने रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 का ये अमेंडमेंट आपको पढ़ाया बेटा। रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 का अमेंडमेंट है, ये भी बैरेक पोर्शन है। क्लियर? बैरेक पोर्शन जो मैंने बुक में दे रखा है इस चैप्टर के अंदर, उसमें ये अमेंडमेंट हुआ है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए अमेंडमेंट क्या हुआ है। यहाँ पे भी अपलोडेड वर्ड लिखा था कि भाई रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 में क्या लिखा था, सप्लायर्स अपने इनवॉइस जो अपलोड करेंगे, अपलोड वर्ड सही नहीं था, टेक्निकली गलत वर्ड था, क्योंकि इनवॉइसेस कभी भी अपलोड नहीं होते, इसमें इन्फॉर्मेशन फर्निश होती है। सर अपलोडेड वर्ड को काट के फर्निश कर दिया। एक तो रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 की बात करते हैं। क्लियर? कोई मेजर इसका, बस ये टेक्निकल कोई इसका इंपैक्ट नहीं है। क्लियर? ओके, सेकंड बात, जो मेन अमेंडमेंट हुआ है वो 10% और 20%, जो पहले 20% था फिर 10% किया फिर अभी 5% कर दिया, ये रहा हो। ओके बच्चों, क्लियर? और जहां जहां पे भी अपलोडेड था वहां पे फर्निश कर दिया, प्लस जहां पे भी इन्होंने लिखा था कि सप्लायर्स आर सपोज टू फर्निश द इन्फॉर्मेशन ऑफ द इनवॉइसेस इन सेक्शन नंबर 37 सबसेक्शन 1 इन फॉर्म नंबर जीएसटीआर 1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। मैं रिटर्न चैप्टर जब पढ़ाऊंगा आपको अमेंडमेंट, उसमें इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या होती है तो मैं समझाऊंगा, क्योंकि अभी जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल में 5 करोड़ या उससे कम था उनको ऑप्शन दे दिया कि वो चाहे तो क्वार्टरली भी जीएसटीआर 1 एंड क्वार्टरली जीएसटीआर 3B फर्निश कर सकते हैं। 3B यस, तो उसके लिए इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी हुई है। कुछ नहीं है, जीएसटीआर 1 क्वार्टरली अगर हो गया तो हर महीने आप कुछ इनवॉइसेस B2B वाले ट्रांजेक्शन के इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी थ्रू फर्निश कर सकते हो, सो दैट कस्टमर जो है आपका उसके जीएसटीआर 2A में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो जाए और उसको ITC मिल पाए ऑन मंथली बेसिस। भले आप क्वार्टरली जीएसटीआर 1 सबमिट करेंगे पर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू उसको मंथली बेस पर जीएसटीआर 2A में वो क्रेडिट मिल पाए, सो दैट वो क्रेडिट ले पाए। ठीक है, तो हम बात करेंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की बाद में। अभी मेन जो बात है हमारी वो है कि सप्लायर ने जितने भी इनवॉइसेस फर्निश किए थ्रू जीएसटीआर 1 या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी उसका तो हम क्रेडिट लेंगे लेंगे, प्लस अगर कोई इनवॉइस वहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो सर ऐसे केस में जितने इन्वॉइसेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं जीएसटीआर 2A में उसमें से जो एलिजिबल क्रेडिट है उसका 5% एडिशनल क्रेडिट आप और ले सकते हो ऑन प्रोविजनल बेसिस अगर उतने अमाउंट के इन्वॉइस आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो। क्लियर? डन। तो सर एक अमेंडमेंट तो मेरा ये कवर कर लिया। अच्छा बच्चों, अब देखना आप ध्यान से, ये जो अमेंडमेंट मैंने पढ़ाया आपको ये बैरेट पोर्शन दिया हुआ था यही। अब मैंने बताया ना आपको अगर कोई अमेंडमेंट का इफेक्ट दो जगह पे आ रहा था दोनों जगह मैंने पेज अपलोड किया, तो यही जब एनालिटिकल व्यू हम पढ़ते हैं पेज नंबर 105 पर, वहां पर ये रहा रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4। क्लियर? सेम वर्ड्स है,
जो मैंने वहां बैरेट पार्ट में लिखे थे वही यहां मैंने रिपीट किए। क्लियर? तो यहां पे आपको 10 पॉइंट मिला हुआ है, मतलब आपके लिए नंबर ऑफ पेजेस देखने में बहुत ज्यादा है पर एक्चुअली पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बहुत कम है। सेम वे उसकी वजह से जो मैंने एग्जाम्पल दे रखा था बुक के अंदर रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 का, उसमें भी मैंने चेंज कर दिया है, एग्जाम्पल को भी मैंने अमेंड कर दिया है। तो वो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पे स्कैन करके अपलोड किया है, देख लो आप एग्जाम्पल के थ्रू कि बुक्स के हिसाब से आईटीसी इस पर बुक्स कि आपने जो एक्चुअल परचेज किया उसके हिसाब से बुक्स में आना चाहिए 2000 रुपी का क्रेडिट, पर आपके 2MA क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही थी ओनली रुपीज 1500 की। तो सरकार प्रोविजनल क्रेडिट का कितना अमाउंट आप ले सकते हो? तो पहली बात तो ये 500 रुपी के इनवॉइसेस ऐसे हैं जो सप्लायर्स ने फर्निश नहीं किए। तो सर हम कितना क्रेडिट ले पाएंगे? सर ये जो 1500 एलिजिबल क्रेडिट, हम अज्यूम करें कि 1500 पूरा का पूरा एलिजिबल क्रेडिट है, उसका एडिशनली 5% और, मतलब 1575 आप मैक्सिमम क्रेडिट ले सकते हो इस पर्टिकुलर पीरियड में जिसके लिए आप GSTR 3B सबमिट कर। क्लियर? मतलब बुक्स में जो आपने 2000 रुपए का क्रेडिट लिया है इसमें से 425 का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, जब रेस्पेक्टिव पर्सन अपने इनवॉइसेस करेंगे तब आपको क्रेडिट मिलेगा। क्लियर? डन। तो ये एग्जाम्पल के अंदर जो अमेंडमेंट था वो भी मैंने आपको दे दिया है स्कैन करके। ओके डन। अब जो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको अमेंडमेंट लिखवाया था कि भाई वो बैरेट पार्ट का पोर्शन था, वो ये रहा एनालिटिकल व्यू के सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4। तो आईटीसी में फर्स्ट अमेंडमेंट जो मैंने आपको पढ़ाया रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 का पढ़ाया, यहां पर प्रोविजनल क्रेडिट का अमाउंट 10% से कम होके 5% हो गया। सेकंड सर, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 क्या था। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 सर, टाइम लिमिट टू क्लेम द इनपुट टैक्स क्रेडिट, मैक्सिमम टाइम लिमिट विद इन विच आईटीसी कैन बी क्लेम्ड इज, है ना भाई, किसी इनवॉइस का क्रेडिट आप कब तक ले सकते हो? जिस फाइनेंशियल ईयर का वो इनवॉइस था वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सेप्टेंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। प्लस डेबिट नोट के लिए भी क्या लिखा था, एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी डेबिट नोट, वो डेबिट नोट का क्रेडिट लेना भूल गए या किसी वजह से नहीं लिया तो कब तक ले पाएंगे? उसके लिए लिखा था कि उस डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में जो इनवॉइस इशू हुआ हुआ है, वो इनवॉइस जिस फाइनेंशियल ईयर में इशू हुआ था, वो इनवॉइस जिस फाइनेंशियल ईयर में इशू हुआ था वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सेप्टेंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो मतलब किसी डेबिट नोट के बेस पे आपको क्रेडिट लेना हो तो डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट ले सकते हो, पर मैक्सिमम कब तक? वो डेबिट नोट कब इश्यू हुआ उससे मतलब नहीं था, वो डेबिट नोट के रेस्पेक्ट में इनवॉइस, जिस इनवॉइस के रेस्पेक्ट में आपने डेबिट नोट इश्यू किया है वो इनवॉइस जिस दिन इश्यू हुआ था वो फाइनेंशियल ईयर को कंसिडर करना है, और वो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सेप्टेंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर इज द लास्ट डेट जब तक आप क्रेडिट ले पाएंगे ऑन द डेबिट नोट। पर यहां पे एक छोटा सा अमेंडमेंट किया है, देखो बच्चों यहां पर ये तीन वर्ड्स डिलीट कर दिए, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 से ये तीन वर्ड्स डिलीट कर दिए रिलेटिंग टू इनवॉइसेस डेबिट नोट्स। डेबिट नोट के लिए अमेंडमेंट ये किया बेटा कि डेबिट नोट के बेस पे आपको क्रेडिट लेना तो आप ले सकते हो, पर मैक्सिमम कब तक? सर पहले था कि उस डेबिट नोट के रिलेटेड, वो डेबिट नोट जिस इनवॉइस से रिलेटेड था, वो इनवॉइस जिस फाइनेंशियल में इशू हुआ वहां से हम देखते थे ड्यू डेट क्या है, पर अभी वो इनवॉइस की लिंकिंग को तोड़ दिया है। मतलब यह है कि अभी आपको किसी डेबिट नोट के बेस पे क्रेडिट लेना है तो जिस फाइनेंशियल ईयर में वो डेबिट नोट रेज हुआ है, रिपीट, बड़ा अच्छा फैसिलिटी दे दिया एसएससी को बेटा, इस फाइनेंशियल ईयर में वो डेबिट नोट इश्यू हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सितंबर मंथ जो आएगा उसका रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। मतलब मान लो कोई इनवॉइस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में इशू किया था और उसका डेबिट नोट 2021-2022 में इशू किया, मान लो जनवरी में कोई, जनवरी 2021 में कोई इनवॉइस इशू हुआ था, उसका डेबिट नोट रेज हुआ कब? जुलाई 21 में। अब डेबिट नोट उसका इशू हुआ कब? जुलाई 2021 में। तो ऐसे केस में पहले क्या था? पहले ये था कि जनवरी 21 में जब आपका इनवॉइस इशू हुआ था ओरिजिनली, तो 2021 फाइनेंशियल 2021 देखा जाएगा, उसके बाद सितंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, मतलब सर 20th अक्टूबर 2021 या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर 2021 व्हिच एवर इज अर्लियर वाज द ड्यू डेट, वाज द लास्ट डेट जब तक आप उस डेबिट नोट का क्रेडिट ले सकते हो जो जुलाई में इशू हुआ है। क्लियर? पर अब क्या हो गया है,
अब बोल दिया वो इन्वेस्ट कब इशू हुआ हमें कंसर्न नहीं है, वो डेबिट नोट किस फाइनेंशियल ईयर में इशू हुआ है, वो डेबिट नोट जिस फाइनेंशियल ईयर में इशू होगा, मतलब जुलाई 21 में अगर वो डेबिट नोट इशू हुआ है तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद सेप्टेम्बर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, मतलब 20th अक्टूबर 2022 और एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर 21-22 व्हिच एवर इज अर्लियर, वो लास्ट डेट होगी जब तक आप क्रेडिट ले पाएंगे उस डेबिट नोट के पीछे बेटा, आए ना। तो इनवॉइस कब इशू हुआ उसे कंसर्न नहीं है, डेबिट नोट जिस दिन इशू हुआ है उस फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग सेप्टेम्बर मंथ का रिटर्न या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर इज द लास्ट डेट जब तक आप क्रेडिट ले पाएंगे उस डेट। क्लियर माहौल सरकार, ये अमेंडमेंट था, अच्छा अमेंडमेंट है, इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा इससे, और ये अमेंडमेंट हुआ है एप्लीकेबल थ्रू फाइनेंस एक्ट 2020 विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of January 2021। समझ में आई बात आपको मेरी? ओके, ये मैंने एनालिसिस भी दे रखा है आपको अमेंडमेंट का, क्लियर, अमेंडमेंट का एनालिसिस भी आपको दे रखा है, प्लस मैं आपको बता देता हूं मैंने एक इलस्ट्रेशन भी दे रखा था बुक के अंदर, उसको भी मैंने अमेंड कर दिया, इस एग्जाम्पल को मैंने चेंज कर दिया है हैविंग रिगार्ड टू दिस अमेंडमेंट, और वो एनालिटिकल इलस्ट्रेशन भी हम पढ़ लेते हैं सो दैट आपको कंफर्ट जोन मिलेगा कि हाँ जी हाँ ये प्रोविजन भाई आपको आ गया। आइए, ये जो टॉपिक है सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 उसके बाद इलस्ट्रेशन 9 में दे रखा है एनालिटिकल इलस्ट्रेशन टू अंडरस्टैंड द अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 2020। देखिए नितेश, नितेश डिलीवर्ड अ मशीन टू विहान इन फरवरी 2021, ओके, अंडर इनवॉइस नंबर 12 डेटेड 5th ऑफ फरवरी 2021 फॉर ₹50,000 प्लस GST एंड अंडरटूक ट्रायल रन्स ऑफ द मशीन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द विहान। ओके साहब, द अमाउंट चार्जेबल फॉर पोस्ट डिलीवरी एक्टिविटीज वॉज कवर्ड इन द डेबिट नोट रेज्ड इन May 21। भाइयों, इनवॉइस कब इशू हुआ था ओरिजिनली, देखो ध्यान से वापस से, February 2021 में इनवॉइस इशू हुआ है, डेबिट नोट कब रेज हुआ है May 2021 में, आए ना सर। विहान फाइल्ड द एनुअल रिटर्न्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2021-22 इन December 2021 एंड December 2022 रेस्पेक्टिवली। सर, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू टेक ITC ऑफ GST चार्ज्ड ऑन इनवॉइस एंड डेबिट नोट इश्यूड इन दिस केस। ये अगर एग्जांपल हमने समझ लिया, लाइफ जिंगलाला भाई माहौल। तो सर, इनवॉइस के लिए लास्ट डेट जब तक आप क्रेडिट ले पाएंगे, अभी जो अमेंडमेंट हुआ उसके अकॉर्डिंग 1st January 2021 से अमेंडमेंट हो चुका है बेटा, उसके अकॉर्डिंग February 21 में इनवॉइस इशू हुआ था, तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 वो खत्म होगा, उसके बाद सेप्टेंबर मंथ की रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, मतलब 20th October 2021 मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न फॉर सेप्टेंबर मंथ शिफ्ट नहीं हुआ ना बेटा, वेस्ट में जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं दे आपको 20th अक्टूबर ही मानना होगा, तो 20th October 2021 क्लियर, और December 2021 क्योंकि 2021 का एनुअल रिटर्न फाइल किया December 21 में, ऑब्वियसली विच एवर इज अर्लियर 20th October 2021, तो 20 अक्टूबर 2021 इज द लास्ट डेट जब आप इस इनवॉइस के बेस पे, इस इनवॉइस में जो टैक्स होगा उसका क्रेडिट ले पाएंगे। क्लियर, ये तो बात होगी इनवॉइस की। अब डेबिट नोट का क्रेडिट कब तक ले पाएंगे, सिंस डेबिट नोट इशू हुआ है May 21 में, तो 21-22 फाइनेंशियल अकाउंट होगा इसके लिए, इस डेबिट नोट के लिए, और 21-22 का ड्यू डेट ऑफ 21-22 के बाद सेप्टेम्बर मंथ जो आएगा, मतलब September 2022 का ड्यू डेट 20th October 2022 और December 22, ऑब्वियसली 20th October 2022 इज द लास्ट डेट जब उस डेबिट नोट के बेस पे जो क्रेडिट आपको लेना है वो आप ले पाएंगे, आया ना। ये देख लीजिए बच्चों, आंसर दे रखा है मैंने सॉल्यूशन आपको कि इनवॉइस जो 50,000 का था उसके लिए लास्ट डेट होगी 20th October 2021 उसके क्रेडिट के लिए, डेबिट नोट जो रेज हुआ 10,000 का उसके रेस्पेक्ट में क्रेडिट लेने की लास्ट डेट होगी 20th October 2022। जी हाँ, समझे आप मेरी बात बच्चों, क्लियर डन। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन के अंदर जानबूझ के मैंने ये वाला पार्ट भी दे रखा बेटा, बिफोर अमेंडमेंट मेड बाय फाइनेंस एक्ट 20 द आंसर वुड हैव बीन एज अंडर। अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो आंसर क्या होता बेटा, इनवॉइस का जो ईयर है फाइनेंशियल ईयर है मतलब 2021 वहीं से काउंट होता डेबिट नोट के लिए टाइम लिमिट भी बेटा, तो मतलब इनवॉइस प्लस डेबिट नोट दोनों के लिए ही लास्ट डेट होती क्या भाई साहब, 20th October 2021 ही लास्ट डेट होती जब तक आप क्रेडिट ले पाते, 20 अक्टूबर 2021 बस, इसमें डेबिट नोट के लिए अलग से डेट नहीं होता क्योंकि वो इनवॉइस से रिलेटेड ही लिंक किया जाएगा डेबिट नोट का भी टाइम लिमिट।
क्लियर? तो इस बार अमेंडमेंट ये हुआ है कि सर इन्वॉइस कब हुआ, इन्वॉइस कब इश्यू हुआ, कंसर्न नहीं है। डेबिट नोट जब इश्यू होगा वहां से उस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल को कंसिडर करते हुए ड्यू डेट निकाला जाएगा सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। बड़ा अच्छा फायदा हुआ है क्योंकि कई बार इंडस्ट्रीज में डेबिट नोट फाइनेंशियल खत्म होने के बाद नेक्स्ट ईयर भी इश्यू होते, तो वहां इनको फायदा मिल जाएगा इंडस्ट्री ट्रेड लेने के लिए। क्लियर? डन माहौल। ये आपका पॉइंट खत्म होता है विद एग्जाम्पल। ओके बच्चो, तो सर ये आपके आईटीसी के दो अमेंडमेंट खत्म होते हैं। अब आइए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। क्यों मैंने सर एक सर्कुलर दिया था, एक सर्कुलर इशू था लास्ट ईयर बेटा, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 के लिए, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4 के लिए सर्कुलर इशू था। ये सर्कुलर नया नहीं है, अमेंडमेंट्स में कवर नहीं हो रहा है। ये सर्कुलर नंबर देख लीजिए आप, सर्कुलर नंबर 123 और 42 डेटेड 11th नवंबर 2019। तो जो लास्ट लेक्चर्स आपने पढ़े हुए होंगे ऑलरेडी, उसमें ये सर्कुलर हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। पर फिर आप बोलेंगे सर तो हमको ये वापस आपने स्कैन करके क्यों अपलोड किया, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? अरे कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं भाई, ये 36(4) के लिए सर्कुलर था। तो ये जो सर्कुलर इशू हुआ था इसके अंदर आपको बुक सर 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट का प्रोविजनल क्रेडिट मिलेगा आपको। ऐसा इस सर्कुलर में हर जगह 10% लिखा था बेटा। तो मैंने बस आपकी सहूलियत के लिए इसको भी स्कैन करके अपलोड कर दिया है, सो दैट उस सर्कुलर के अंदर हर जगह आप चेंज कर दे 5% प्रोविजन क्रेडिट। कितना हो गया बेटा? 5%। तो मैंने क्या किया, इस सर्कुलर के अंदर जहां जहां भी 10% था उसको रिप्लेस कर दिया बाय 5% प्लस, यहाँ पे भी इनवॉइसेस अपलोडेड लिखा था उसको फर्निश कर दिया इन फॉर्म नंबर GSTR 1 और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये वर्ड्स मैंने ऐड कर दिए। प्लस इस क्वेश्चन में, इस सर्कुलर में कुछ एग्जांपल्स देके भी समझाया हुआ था कुछ पॉइंट्स को, जिसमें प्रोविजनल क्रेडिट 10% के हिसाब से थी उसको मैंने चेंज कर दिया 5% कर दिया। मतलब कुल मिला के आपको मेहनत नहीं करनी पड़े चेंज करने के लिए, वो मेहनत मैंने यहाँ कर दी है। तो ये जो पेजेस स्कैन किए हुए इसको आप यूज करके आपके बुक के अंदर जो ये सर्कुलर मिला होगा आपको, उस सर्कुलर में ये फिगर्स चेंज कर दे, यहाँ पे अमेंडमेंट कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 5% कर दिया, यहाँ 5% कर दिया बच्चों, अरे हाँ है ना, क्लियर? या 10% हुआ करता था पहले, या 5% कर दिया। फिर ये जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना आपको बेटा न्यूमेरिकल, यहाँ पे 30% कर दिया, पहले 30,000 पहले 60,000 हुआ करता था क्योंकि 10% वो 60,000, 5% इज नाउ 30,000। तो अकॉर्डिंगली यहाँ तब कैलकुलेशन में मैंने चेंज कर, आपको बहुत टेंशन नहीं लेना पड़ा है। पता पड़ा वहां आपने आगे अपनी बुक के अंदर वहां पे तो चेंज कर दिया, सर्कुलर में आके चेंज करना रह गया आपसे। तो सर जब एग्जाम में आप पढ़ाई कर रहे हो तो रिवीजन के टाइम पे कंफ्यूज हो गए, वहां 5% लिखा या 10% लिखा। इसलिए मैंने आपको क्या कहा, अमेंडमेंट अगर एक जगह हुआ पर उसका इंपैक्ट अगर 2-3 जगह आ रहा, तो मैंने वो सब पेजेस आपके लिए स्कैन करके अपलोड कर दिए, सो दैट आपको डिफिकल्टी नहीं आए। समझे? यही तो हमारा काम है। ओके बच्चों, तो ये देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन है। ओके सारी जगह आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग। ओके बेटा माहौल। तो सरकार ये इतने सारे पेजेस तो आपके ऑलरेडी हो गए केवल और केवल सर दो अमेंडमेंट्स में ही। ओके, तो नंबर ऑफ पेज देखने में आपको भले ही ज्यादा लग रहे होंगे पर बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। आएंगे हम अगले पेज पर, जहां पर आपको ये नया रूल मिलेगा, रूल नंबर 86B। ये नया रूल एड हुआ बेटा, यस, बोगस आईटीसी के खेल को लगाम लगाने के लिए, कम करने के लिए, उड़ाने के लिए ये रूल इंसर्ट किया है। और इस रूल का मैं जिस्ट पहले आपको बता देता हूं बेटा। यहां पे ये बोल दिया कि जिनका भी मंथली टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज अदर देन एग्जेम्प्ट और अदर देन एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट या एसईजेड, मतलब अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई और अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई, जिनका भी टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज का टर्नओवर 50 लाख 50 लाख रुपए क्रॉस कर रहा है, उनके लिए रूल एप्लीकेबल है। मंथली बेस पर टर्नओवर बता रहा हूं मैं आपको, वैल्यू ऑफ वो भी टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई एक्सीडिंग 50 लाख रुपए है, उन लोगों को बोल दिया कि तुम जब अपना टैक्स पे करेंगे, तुम जब अपना टैक्स पे करोगे तो टैक्स पे करते वक्त आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज करते हो, आईटीसी यूज करते हो, पर ग्रोस टैक्स लायबिलिटी का 99% तक का मैक्सिमम आप 99% तक का मैक्सिमम आप इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकते हो। मतलब एटलीस्ट 1% ऑफ योर टैक्स लायबिलिटी, 1% ऑफ योर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आपको कैश लेजर के थ्रू पे करनी ही पड़ेगी। मतलब पता है बहुत सारे लोग बोगस बिल का जो काम कर रहे हैं वो लोग क्या करते थे बेटा, 100 करोड़ का बिल लिया, एज इट इज आगे 100 करोड़ पास ऑन कर दिया, तो क्या हुआ 100 करोड़ के परचेज पर मान लो 18% कम्स टू 18 करोड़, 18 करोड़ का परचेज पर क्रेडिट मिला,
सेम वे 100 करोड़ का सेल का बिल लिख दिया, उस पर 18 करोड़ की लायबिलिटी थी बेटा, क्लियर। तो सर 18 करोड़ का क्रेडिट, 18 करोड़ की लायबिलिटी, कैश पेबल जीरो। तो क्या हो रहा था, ऐसे बोगस बिल के ट्रांजेक्शन बहुत आसानी से घूम पा रहे थे। अब बोल दिया क्या, मिनिमम 1% तो आपको, 1% ऑफ योर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी तो आपको कैश में पे करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर इस तरह के बोगस ट्रांजेक्शन करने वालों के लिए 1% एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती बेटा, जो बड़ी डिफिकल्टी आएगी इन लोगों को। तो वहां पे इस तरह की प्रैक्टिस को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये रूल इंट्रोड्यूस किया, क्लियर। तो रूल नंबर 86B, क्लियर, समझ में आया बेटा आपको ये? पर ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है, जिनका मंथली किसी पर्टिकुलर मंथ में, जरूरी नहीं सारे महीने में 50 लाख क्रॉस हो, इस महीने में आपका 50 लाख का टर्नओवर क्रॉस हुआ है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सर्विसेज अदर देन एग्जम सर्विस, एग्जम गुड्स और सर्विस और अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई, अगर आपका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस हुआ है किसी भी महीने में, तो आपके लिए रेस्ट्रिक्शन अप्लाई होगी कि यू कैन नॉट पे टैक्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर मोर देन 99% ऑफ योर ग्रॉस टैक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, क्लियर, डन। तो सर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी, पर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए कि नहीं नहीं इन लोगों के अप्लाई नहीं होगी ये रेस्ट्रिक्शन, पढ़ लेते बेटा रूल को, के खत्म, बस इतना ही है बेटा थिंग। रूल नंबर 86B, देखो ध्यान से, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस रूल्स द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज, पढ़ना बड़ा फर्स्ट लाइन इसकी रूल, रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट यूज द अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू डिस्चार्ज हिज लाइबिलिटी टूवर्ड्स आउटपुट टैक्स इन एक्सेस ऑफ 99% ऑफ सच टैक्स लाइबिलिटी इन केसेज वेयर द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जम सप्लाई एंड ड्यूरेटेड सप्लाई इन अ मंथ एक्सीड्स रुपीज 50 लाख, एक्सीड होना चाहिए बेटा ध्यान, मतलब 50 लाख 1 रुपये होना चाहिए या उससे ज्यादा, तो ऐसे केस में आप 99% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज नहीं कर सकते। जैसे आपकी लाइबिलिटी मान लो 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख का 99%, 9,90,000 इतना ही आप क्रेडिट यूज कर सकते हो मैक्सिमम, एटलीस्ट 1%, 10,000 तो आपको कैश जमा करना, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कितना पड़ेगा, बस यही पॉइंट हुआ है। बट प्रोवाइडेड दैट द सेड रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई वेयर, देखो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई किए कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, सारे लोग बोगस बिल का काम नहीं करते, तो वहां बोल दिया नहीं नहीं आप पे अप्लाई नहीं होगा, किन पर, वेयर द सेड पर्सन और द प्रोपराइटर और द कर्ता और द मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी ऑफ इट्स टू पार्टनर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स और एनी ऑफ टू पार्टनर्स टू होल टाइम डायरेक्टर्स मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ द एसोसिएशन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी एज द केस में भी have paid more than rupees 1 lakh as income tax under the Income Tax Act 1961 in each of the last 2 financial years. आई इन लोगों ने at least 1 lakh income tax, ध्यान रखना, sorry, at least more than 1 lakh रुपी, 1 lakh 1 रुपया है उससे ज्यादा, more than 1 lakh रुपी income tax pay किया हुआ इन लोगों ने in last 2 financial years, जिसका return file करने का due date as per Income Tax Act सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग इसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न निकल चुका है, और ऐसे दो लास्ट फाइनेंशियल में इन्होंने अगर सर 1 लाख से ऊपर इनकम टैक्स पे किया हो, तो ऐसे लोगों पर ये वाला सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। हाँ जी, इनकम टैक्स एक्ट की बात करूं मैं आपसे, जीएसटी की बात नहीं करूं, इनकम टैक्स में अगर इन्होंने इनकम टैक्स 1 लाख से ज्यादा पे किया है इन एनी ऑफ द लास्ट टू इन लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स, ऐसे केस में इन पे ये जीएसटी वाला रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इससे एविडेंट होता है कि ये लोग गलत लोग नहीं है, ठीक है, प्रॉपर इनकम टैक्स वगैरह पे कर, क्लियर, समझे मेरी बात, पढ़ लीजिए, हैज पेड मोर देन रुपीज 1 lakh इज इनकम टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट इन ईच ऑफ द लास्ट 2 financial years फॉर विच द टाइम लिमिट टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ऑफ दिस एडेड हैज एक्सपायर्ड, मतलब भाई 139(1) का टाइम लिमिट 3 financial years के लिए एक्सपायर हो चुका है, वो फाइनेंशियल की उन लास्ट फाइनेंशियल मोर देन 1 lakh अगर इन्होंने इनकम टैक्स पे किया चलेगा साहब, ऐसे केस में इन पे ये जीएसटी वाली रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। Second, the registered person has received a refund amount of more than rupees 1 lakh. Aiyo, in the preceding year, preceding financial year, mein inko more than rupees 1 lakh refund mila hai. Kis case mein? Zero rated supply made without payment of tax. Sir, zero rated supply made without payment of tax. इन्होंने क्या किया? Export किया या SEZ को supply किया? और उसके लिए इन्होंने bond या LOD sign किया था? और वहां पर इन्होंने आईटीसी अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड क्लेम जो लिया है वो मोर देन रुपीज 1 लाख। सेम वे
इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने मोर देन रुपीज 1 लाख का आईटीसी का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का क्लेम किया हुआ। देखो मतलब ये सब लोग कौन है, वेरीफाइड लोग है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन रिफंड क्लेम कर रहा है जीएसटी का अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का, तो डिपार्टमेंट पूरा वेरीफिकेशन करता है, सारा प्रॉपर आईटीसी क्या है और प्रॉपर सप्लाई दिखाई, ये सब कुछ डिपार्टमेंट वेरीफाई करता, तो वहाँ बोगस बिल्स वगैरह के चांसेस बहुत कम होते। इसलिए गवर्नमेंट ने इनको बोल दिया नहीं नहीं तुम्हारे पे रिप्लाई नहीं होगा अगर प्रीवियस फाइनेंशियल में आपने मोर देन रुपीज 1 लाख रिफंड लिया है ऑफ द अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी इधर फॉर द पर्पस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर द कवर ऑफ अ बॉन्ड या एलयूटी, और सेकंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में आपने मोर देन रुपीज 1 लाख का रिफंड क्लेम किया लास्ट ईयर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो ऐसे केस में तब तुम पे ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी रूल नंबर 86 लास्ट। और सेकंड लास्ट, रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज्ड, मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ फिर पढ़ेंगे इस पॉइंट। भाई मान लो अभी चल रहा है कौन सा मंथ, मान लो दिसंबर 2022, मान लो दिसंबर 2022 मंथ चल रहा है, और दिसंबर 22 में जब आप टैक्स पे करने जा रहे हो, तब आपका इस मंथ में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज जो आपने सप्लाई किया उसका टर्नओवर मोर देन रुपीज 50 लाख है, और आप ही रजिस्ट्रेशन अप्लाई होने वाली, पर ये फाइनेंशियल ईयर मतलब 21-22, क्योंकि दिसंबर 22 की बात कर रहा हूं मैं, दिसंबर 21 की बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा, दिसंबर 2021 की बात कर रहा हूं मैं आपसे, तो 21-22 जो फाइनेंशियल ईयर है अप टू दिसंबर 2021, 1 अप्रैल 2021 से 1st ऑफ अप्रैल 2021 से दिसंबर 21 इंक्लूडिंग दिस मंथ आल्सो बेटा, दिसंबर 21 की बात कर रहा हूं मैं, जितना आप टोटल कैश टैक्स पे कर चुके हो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, वो अब तक की लायबिलिटी का सर 1% से ज्यादा ऑलरेडी आपने टैक्स पे कर दिया है थ्रू कैश, तो सर चलेगा ना यार, समझे मेरी बात, मतलब अप्रैल 21 से लेकर दिसंबर 21 तक का जितना भी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी था वो मान लो था 1 करोड़ रुपए टैक्स लायबिलिटी था बेटा, और उसमें से मोर देन 1% मतलब 1 लाख से ज्यादा आप ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे कर चुके हो इस फाइनेंशियल ईयर में, एक्यूमुलेटेड लायबिलिटी की बात करूं मैं आपसे, ऐसे केस में सर दिसंबर महीने में ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं हो, दिसंबर इज इन जस्ट एन एग्जाम्पल। पढ़ लो पॉइंट नंबर डी, द रजिस्टर्ड पर्सन इज डिस्चार्ज्ड हिज लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटपुट टैक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट विच इज ऑलरेडी इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ द टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी अप्लाइड क्यूमुलेटिवली अप टू द सेड मंथ इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब करंट फाइनेंशियल में जिस पर्टिकुलर मंथ की आप बात कर रहे हो उस मंथ तक का टोटल लायबिलिटी निकाल लो और उसका 1% कैलकुलेट करके देखो, अगर उससे ज्यादा आप ऑलरेडी कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे कर चुके हो तो इस मंथ में ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो 100% भी कैश 100% भी क्रेडिट लेजर के थ्रू टैक्स पे कर सकते हो। क्लियर, डन। एंड नेक्स्ट पर्सन, ये तो सब गवर्नमेंट के लोग हो गए, इन पे रजिस्ट्रेशन अप्लाई नहीं होगी, किन पर, द रजिस्टर्ड पर्सन इज अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अ पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और अ लोकल अथॉरिटी, और अ स्टेटरी बॉडी। सर इनके केस में आए नहीं होगा क्योंकि बोगस बिल वाले हम नहीं करेंगे। प्लस गवर्नमेंट ने एक पावर दे दिया कमिश्नर को, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ may remove the said restriction after such verifications and such safeguards as he may it, मतलब कमिश्नर को या उसके ऑथराइज्ड ऑफिसर को ये पावर दे दी है कि अगर उसने किसी पर्टिकुलर केस में, किसी पर्टिकुलर एसएससी केस में प्रॉपर वेरिफिकेशन कर लिया है, सब कुछ चेक कर लिया, उसको लगता है नहीं कुछ भी गड़बड़ नहीं, तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर एसएससी के लिए वो चाहे तो रेस्ट्रिक्शन को हटा भी सकता है आफ्टर टेकिंग सच सेफगार्ड एज ही मे डीम फिट। क्लियर, तो कुल मिलाके बोगस बिलिंग वाले के लिए ये बड़ा ही हार्श प्रोविजन होगा क्योंकि वो लोग भी गलत कर रहे हैं देश के साथ में। तो सर रूल नंबर 86 बी ऐड हुआ है इस बार, और ध्यान रखना इस तरह के जब रूल नए ऐड होते हैं बेटा एग्जामिनेशन के लिए बड़े ही अट्रैक्टिव होते हैं, एग्जाम में नॉर्मली छोटे छोटे बन, ध्यान रखना। सर कुल मिला के ये बोला है कि जिनका भी किसी पर्टिकुलर मंथ में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर ऑफ वैल्यू ऑफ टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विसेज अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई और अदर देन एग्जाम सप्लाई इज मोर देन रुपीज 50 लाख, ऐसे केस में उस पर्टिकुलर एसएससी के लिए बोल दिया कि यू कैन पे योर टैक्स लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बट नॉट मोर देन 99% ऑफ द ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, पर ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा किन पर, सर डायरेक्टर वगैरह ने सर 1 लाख से ज्यादा इनकम टैक्स ऑलरेडी पे किया हुआ इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स जिसका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न एज पर सेक्शन नंबर 139 सबसेक्शन 1 ऑलरेडी एक्सपायर हो। क्लियर, सेकंड जिनने
प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख से ज्यादा रिफंड लिया है जीएसटी में ऑफ द अनयूटिलाइज्ड आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, और थर्ड जिसने भी मोर देन 1 लाख रुपी रिफंड लिया है ऑफ द जीएसटी ऑफ अनयूटिलाइज्ड बैलेंस ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, क्लियर। फोर्थ, सरकार जिन लोगों ने भी, हाँ, जिनका ऑलरेडी 1% से ज्यादा एक्युमुलेटेड लायबिलिटी हम देखे करंट फाइनेंशियल में ऑलरेडी उसका 1% से ज्यादा कैश के थ्रू पे हो चुका है, उन लोगों पे ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी। एंड लास्ट, ये गवर्नमेंट बॉडीज पे मना कर दिया साहब, इन पे ऑब्वियसली अप्लाई नहीं होगी, और कमिश्नर या उसके ऑथराइज ऑफिसर को पावर दे दिया कि वो पर्टिकुलर केस में सर किसी पर्टिकुलर एसएससी के लिए रेस्ट्रिक्शन को हटा सकता है अगर उसको लगता है कि आफ्टर ड्यू वेरिफिकेशन एंड आफ्टर टेकिंग सच सेफ गार्ड इट इज सेफ कि हाँ ठीक है रेस्ट्रिक्शन हटा दो, कोई दिक्कत वाली बात, क्लियर माहौल, डन। ये रूल नंबर 86B भी खत्म होता है अब। तो सरकार आपके आईटीसी से रिलेटेड 3 अमेंडमेंट हुए, तीनों खत्म होते हैं अब। पर देखा होगा आपने बहुत ज्यादा टेक्निकल, बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, पर अच्छे अमेंडमेंट थे, तीनों अच्छे अमेंडमेंट थे बेटा। एक तो प्रोविजनल क्रेडिट 10% से 5% कर दिया सर। सेकंड, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 का टाइम लिमिट जो था डेबिट नोट के लिए, उसके लिए इनवॉइस का लिंकिंग हटा दिया और बोल दिया जिस फाइनेंशियल में डेबिट नोट इश्यू होगा वहां से हम उस फाइनेंशियल खत्म होने के बाद सितंबर मंथ का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट, एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर, आए ना। और थर्ड 86B ऐड कर दिया, डन। सरकार आइए अब हम पढ़ते हैं क्या अगला अमेंडमेंट कंपोजिशन स्कीम के अंदर। सर एक बड़ा ही लॉजिकल अमेंडमेंट हुआ है कंपोजिशन स्कीम चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जो सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 में दिया हुआ है, पर्संस हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, पर्संस नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम, सर उसमें जो क्लोज नंबर बी सी और डी था उसमें तीनों में और सर्विसेज ये तीन वर्ड्स ऐड, ये तीनों में ये दो वर्ड्स ऐड कर दी। अब इसका इंपैक्ट क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ, बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, बस और अमेंडमेंट कुछ भी नहीं हुआ चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन। बच्चों क्या अमेंडमेंट हुआ है देखने ध्यान से, सर पता है कंपोजिशन स्कीम के अंदर रेस्ट्रिक्शन है कि कंपोजिशन स्कीम इज नॉट अवेलेबल टू द फॉलोइंग पर्संस। फर्स्ट सर, अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज है अदर देन रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस, प्लस ध्यान रखना इसमें एक और एक्सेप्शन क्या था, मार्जिनल सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं, याद है बेटा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन द स्टेट उसका 10% और रुपीज 5 लाख विच एवर इज हायर तक की आप सर्विसेज दे, उससे एक्सेस अगर आपकी सर्विसेज हो गई तो आप कंपोजिशन से बाहर, ठीक है इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। सेकेंड, यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। बेटा ध्यान रखना सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 जो नॉर्मल गुड्स के मैन्युफैक्चरर होते हैं या गुड्स के ट्रेडर्स होते हैं या रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस वाले हैं उनके लिए लिखा हुआ था कि यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। पर सर इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस वो प्रोवाइड कर सकते थे क्योंकि वहां पे इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए ही मना किया था। लॉजिकली सर ध्यान रखिएगा इंटर स्टेट जो भी सप्लाई कर रहा है दैट पर्सन शुड नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, इसलिए सिंस मार्जिनल सर्विसेज अलाउ कर दिया आपको 5 लाख और 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, टर्नओवर इन द स्टेट इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर उसका 10% या 5 लाख व्हिच एवर इज हायर तक की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हो अलोंग द गुड्स। सर ऐसे केस में रेस्ट्रिक्शन सर्विसेज पे भी लगनी चाहिए ना यार, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकंड एक और कंडीशन थी क्या, आप ऐसे किसी गुड्स में डील नहीं करने चाहिए विच आर नॉट लेवियबल टू जीएसटी, वहां पर भी लिख दिया क्या गुड्स और सर्विसेज, मींस यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेवियबल टू जीएसटी, क्लियर। तो सर गुड्स और सर्विसेज वर्ड ऐड कर। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ध्यान रखिए बेटा यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स, गुड्स लिखा था पहले केवल, यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स टू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जहां पर TCS एप्लीकेबल होता है। पर अगर आप मान लो सर्विसेज भी दे रहे हो मार्जिनल सर्विसेज 5 लाख या 10% तक, तो ऐसे केस में वहां पे तो रेस्ट्रिक्शन थी नहीं, तो ऐसे केस में सर्विसेज आप ECU के थ्रू सप्लाई कर सकते थे जहां TCS भी एप्लीकेबल हो रहा तो भी दिक्कत नहीं थी। पर अब वो सर्विसेज वर्ड ऐड कर दिया और बोल दिया क्या यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जहां पर TCS एप्लीकेबल होता है। मतलब तर इन तीनों प्रोविजन में क्लोज में बी सी और डी में लिख दिया क्या गुड्स हो या सर्विसेज हो इन दोनों ही केस में थिंग्स आप मार्जिनल सर्विसेज भी सप्लाई कर सकते हो, इसलिए अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया हुआ है तो गुड्स हो या सर्विसेज हो दोनों के लिए पॉइंट बोल दिया कि यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज विच आर नॉट लेवियबल टू जीएसटी। सेकंड,
यू शुड नॉट बी एंगेज इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. थर्ड, यू शुड नॉट बी एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल होता है. क्लियर? डन. तो सर ये तीनों जगह पर और सर्विसेज वर्ड एड कर दिया, शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई. भारत माता की जय. अच्छा, जो सर्विस सप्लायर्स का कंपोजिशन स्कीम था सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A, उसमें जो रेस्ट्रिक्शन थी उसमें तो दोनों जगह वहां पे तो गुड्स और सर्विसेज वर्ड लिखे भी थे. ये सेम रेस्ट्रिक्शन सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A जो सर्विसेज का कंपोजिशन स्कीम है 50 लाख वाली लिमिट वाला, वहां पे भी सेम रेस्ट्रिक्शन है और वहां पे तो ऑलरेडी गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज ये दोनों वर्ड्स लिखे थे बेटा. सर वहां कोई अमेंडमेंट की जरूरत थी नहीं, पर सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 में नहीं लिखा था इसलिए और सर्विसेज वर्ड एड कर दिया. बस इतना सा अमेंडमेंट था कंपोजिशन. क्लियर? अच्छा ध्यान रखिएगा, जितने भी थ्योरी के क्वेश्चन आप देखते हो बेटा, भले अपनी मेन बुक में हो, क्वेश्चनर में हो, किसी और बुक, आप ध्यान रखना उनकी थ्योरी के क्वेश्चन में और सर्विसेज वर्ड एड. ठीक है, बाकी टेक्निकली कोई चेंज नहीं किसी भी क्वेश्चन में. आइए सर, अब मैंने आपको बताया था आरसी में कोई अमेंडमेंट नहीं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसी में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है. क्लियर? आईजीएसटी एक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई जिसको आप बोलते हो कई बार नाम, सर उस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है. चैप्टर नंबर 9 मेगा एग्जम्पशन लिस्ट, कोई अमेंडमेंट नहीं पूरे चैप्टर में. चैप्टर नंबर 10 रजिस्ट्रेशन, आयो रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं. अच्छा, वो आधार से रिलेटेड जो था ना पॉइंट, उसमें हल्का फुल्का अमेंडमेंट हुआ है और कोई मेजर बहुत भारी चेंज नहीं हुआ, पर हाँ एक बड़ा अच्छा पॉइंट मिलेगा अपने को अभी. तो सर अब मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 10 जो अपने बुक का है रजिस्ट्रेशन टीडीएस टीसीएस, उस चैप्टर में आ गया हूँ. प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, क्लियर? उसमें अमेंडमेंट हुआ है तो मैं सर वो अमेंडमेंट, जैसे इस पेज पे कोई अमेंडमेंट नहीं है बेटा, पर मैंने ऑब्वियसली पेज लिंक हो जाए आपको पता तो पड़े कहाँ अमेंडमेंट हुआ है, इसलिए मैंने ये पेज दिया और यहाँ पे लिख दिया पीटीओ, मतलब कोई अमेंडमेंट नहीं है. नेक्स्ट पेज पे देखिए ये लिखा, मतलब अमेंडमेंट है. क्लियर? तो ये अमेंडमेंट आपको तभी समझ में आएंगे जब मैं थोड़ा सा आगे से लिंक कर दूँ. ठीक है, तो मैं प्रोसीजर ऑफ अमेंड ऑफ रजिस्ट्रेशन को थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ सो दैट अमेंडमेंट आपको फटाफट लिंक होकर याद हो जाए. देखो अपना टारगेट लेक्चर खत्म कर, फॉर्मेलिटी करने के लिए मैं नहीं, ये लेक्चर अगर आप सुन रहे हो तो आपको दिल तक सारे पॉइंट्स, बात खत्म, लेक्चर खत्म तो आपको लगना चाहिए यस अमेंडमेंट आ गए. क्लियर? समझे? ऐसा नहीं लेक्चर खत्म होता आपको लगे हाँ अब अमेंडमेंट पढ़ने, नहीं सर भाषणबाजी करने नहीं आया मैं. क्लियर? आपको समझ में आना चाहिए, अल्टीमेट ये लेक्चर आपके लिए. ओके, प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन. बच्चों मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा, वैसे आपको आता है ऑलरेडी. क्लियर? सुना, यहाँ कोई अमेंडमेंट नहीं है, अगले पेज पे अमेंडमेंट होगा, पर ध्यान देना मेरी तरफ ध्यान. प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सबसे पहले क्या होता है बेटा, आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे कॉमन पोर्टल पे www.fimconcept.com. ओ सर www.gst.gov.in, वहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन वाला आता है टैब, इसको क्लिक करेंगे बेटा फॉर्म खुल जाएगा RE01, वही फॉर्म होता है बेटा, ऑटोमेटिक खुल जाएगा बेटा वो. वहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, आप फिल करेंगे, वो पार्ट ए होता है. क्लियर? पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर जीएसटी RE01 खुल जाएगा. वहाँ पे अपना सर इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सरकार नाम लिखेंगे, पैन नंबर है ना सर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और कौन से स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो आप लिखेंगे. रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन अपने पंच करेंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा और पैन नंबर जो आप डालोगे वो सीबीडीटी की वेबसाइट से फैच कर लेगा. ओके, फिर जब ये सबमिट करेंगे तब ये पार्ट ए जैसे सबमिट हुआ, सरकार आपको एक टीआरएन नंबर मिल जाएगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, उसको यूज करके पार्ट बी ओपन हो जाएगा. जब पार्ट बी ओपन करोगे तो उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगी आपसे, एड्रेस वगैरह सब कुछ आप इन्फॉर्म, कौन सा गुड्स सप्लाई कर रहे हो, जो भी मैंडेटरी फर्निश करेंगे. फिर पार्ट बी जब सबमिट करेंगे, पार्ट बी जब सबमिट करेंगे उसके सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा आधार ऑथेंटिकेशन वाला. आधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन आता है वहां ध्यान रखना बेटा, वहां दो चॉइस मिलेगी कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है नहीं कराना. इफ यू डू नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन तो सर आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी फॉर टू द प्रॉपर ऑफिसर. क्लियर? पर अगर आप ऑप्ट करते हो फॉर आधार ऑथेंटिकेशन तो ऐसे केस में क्या होता है, आपके मोबाइल नंबर पर लिंक आता है बेटा. If you opt for आधार authentication, तो आपके मोबाइल नंबर पे लिंक आ जाएगा, उसको क्लिक करोगे, उस पर एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आधार नंबर वगैरह आप इंसर्ट करेंगे, ओटीपी आएगा मोबाइल बेस्ड, वो इंसर्ट करेंगे, आधार खत्म. क्लियर? और जैसे ही आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया, ये मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गई है. क्लियर? अब सुनना बेटा ध्यान से,
किस दिन माना जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है? जिस दिन आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया था और आधार ऑथेंटिकेशन हो गया वो दिन, या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी विच एवर इज अर्लियर, मतलब 15 दिन तक अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया तो 15 डे के बाद ये मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई। अब आपकी एप्लीकेशन जब सबमिट होगी तो वो फॉरवर्ड होगी कहाँ पे? प्रॉपर ऑफिसर के पास। अच्छा एक ध्यान रखना, एक सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 6D में कुछ लोग लिखे हुए हैं कि जिनको नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने इनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है, तो जिनको आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना है आधार के प्रोविजन क्लियर, पर जिनको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना होता है सबके लिए बोल दिया आप ऑप्ट करेंगे आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर अगर आपने ऑप्ट नहीं किया है फॉर आधार ऑथेंटिकेशन तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने से पहले उनके लिए क्या होगा कि प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन पहले ही पड़ा होगा। ओके तो यहां तक तो हमने बात वैसे भी करी हुई है। ओके अब आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई कहां? प्रॉपर ऑफिसर के पास। अब क्या होगा? प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन एग्जामिन करेगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है, पहले ये था कि जिस दिन आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है उसके 3 वर्किंग डे के अंदर अंदर आपको या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा, या फिर ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन, कोई क्लेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपसे, क्लेरिटी चाहिए, तो ऐसे केस में आपको वो नोटिस सर्व कर। और अगर उस 3 दिन में न तो नोटिस सर्व हुआ है न रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ, ऐसे केस में मान लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, पर ये 3 दिन की टाइम लिमिट को बढ़ा के अभी 7 डेज कर दिया है। जी हाँ, एक बड़ा अमेंडमेंट है बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि अब तक जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तब तक डिपार्टमेंट को 3 दिन का वक्त था, या तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दे या आपको नोटिस दे दे फॉर सम रिक्वायरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा, क्लियर। पर अभी उस टाइम लिमिट को बढ़ा के 3 दिन से 7 दिन कर दिया है। देखिए सर, फर्स्ट अमेंडमेंट तो ये, सर प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्स, इफ द सेम आर फाउंड इन ऑर्डर, आंसर इज यस, देन विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो जाएगा इन फॉर्म नंबर GST REG 06। तो 3 दिन को बढ़ा के कितना कर दिया है? 7 दिन कर दिया है। और अगर आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करी है उसमें एवरीथिंग इज नॉट फाउंड इन ऑर्डर, तो ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर कैन इश्यू नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, है ना, देयर बाय सीकिंग क्लेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट फ्रॉम द एप्लीकेंट। क्लियर, समझे मेरी बात? ओके अब रुको यहाँ पे, अब सुनो बच्चों, तो 7 वर्किंग डे में या तो आपको नोटिस सर्व हो जाएगा या फिर आपको मिल जाएगा भाई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब सुन, अब जिन लोगों ने सर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था, या जो लोग आधार ऑथेंटिकेशन में फेल हो गए, 15 दिन का टाइम दिया आपने आधार ऑथेंटिकेशन करवाया ही नहीं साहब, आपने ऑप्ट किया था फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आई या कुछ भी वजह से आपका कुल मिला के आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया, या फिर आपने ऑप्ट ही नहीं किया फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, ऐसे केस में सरकार ये 7 वर्किंग डे का टाइम जो है ना बेटा 30 दिन करते, कितना? 30 ना बेटा 30 डेज, समझाता हूँ, रुको अभी जल्दी नहीं, आराम से होले होले, क्लियर। ये तो मैंने लिंक किया है केवल आप, तो सर ये बोल दिया है कि जिन लोगों ने, अच्छा एक बात और, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D में जो लोग कवर है जिनको आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं, उनके लिए तो 7 दिन ही बेटा, क्लियर। जिनको आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट है और जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया सक्सेसफुली, उसके तो 7 दिन का टाइम है डिपार्टमेंट के पास, क्लियर। या तो नोटिस दे दे या सर्टिफिकेट दे, दोनों में से कुछ भी नहीं किया तो मान लेंगे रजिस्ट्रेशन हो गया। पर जिनको आधार ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, अब उन्होंने ऑप्ट किया है, क्या हम तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना चाहते, दे डू नॉट ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, लेकिन जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया है पर दे फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो ऐसे लोगों को लिए डिपार्टमेंट के पास वक्त है कितना? 30 दिन का। और 30 दिन में डिपार्टमेंट चाहे तो वो क्या करेगा सर? या तो नोटिस दे सकता है या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखना 30 दिन का टाइम भी है, प्लस डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि ऐसे लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने से पहले उनके प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही उन लोगों को रजिस्ट्रेशन देगा, वो भी 30 दिन में।
क्लियर। तो एज पर रूल नंबर 25, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन होता है प्रीमाइसेस का, वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं। पहले ये 21 दिन का टाइम था, सॉरी कैसे बता रहा हूँ, ओके 21 दिन, अब कितना हो गया है सर 30 डेज, 21 दिन को बढ़ा के 30 डेज कर दिया है बेटा। ओके तो देखना ध्यान से बेटा, और वो भी कब, प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे उसके बाद, उसके बाद भी ऑफिसर को लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके, तो 30 दिन में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देगा, 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। और उसको लगता है वेरिफिकेशन करने के बाद लगता है नहीं मामला गड़बड़ है, वो चाहे तो नोटिस भी दे सकता है विद इन 30 डेज, नोटिस देके आपसे इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट या कोई क्लेरिफिकेशन चाहिए तो वो मंगा सकता है। क्लियर, समझे मेरी बात। और वो 30 दिन में अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो माना जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गया एप्लीकेशन, और आपको रजिस्टर क्या ये मान लीजिए। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों, डन। एक बात तो ये देख लो, आप पढ़ लो, और यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड किया हुआ बेटा, एक पॉइंट और क्या ऐड किया है, अच्छा देखिए, एक तो ये मैंने आपको पढ़ाई दिया बेटा, सेवन वर्किंग डे, यही स्टार मार्क करके मैंने लिखा हुआ है बेटा अपनी लैंग्वेज, वहाँ बॉक्स है तो वहाँ इतना लंबा लिखना पॉसिबल नहीं। टाइम लिमिट इज इंक्रीज टू 7 वर्किंग डेज फ्रॉम 3 वर्किंग डेज बाय नोटिफिकेशन आपको बेटा, ताकि 3 दिन से बढ़ा के 7, एक तो ये अमेंडमेंट हुआ है। सेकेंड, ये 30 दिन का टाइम बेटा, देखो मैंने एट द रेट लिखा ना बेटा, ये एट द रेट यहाँ लिखा है बेटा, क्लियर। अब एट द रेट लिख के मैंने क्या लिखा बेटा, हाउएवर अ पर्सन अदर देन द पर्सन व्हिच आर कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D, 6D में कवर है उनको तो आधार ऑथेंटिकेशन करवाना ही नहीं, छोड़ो उनको, इसलिए तो 7 दिन का टाइम ही बेटा। तो इनके अलावा कोई भी पर्सन हु फेल्स टू अंडरगो द ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर एज स्पेसिफाइड इन रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4 और डज नॉट ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो ऐसे केस में 30 दिन का टाइम है डिपार्टमेंट के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द प्रीमाइसेस ऑफ द असेसी। क्लियर, पर यहां बोल दिया है क्या, ये तो हो गए ए पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोला है भाई ध्यान रखना, जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फेल हो गए या जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया तो कवर हो ही गए। प्लस अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि किसी असेसी के प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना जरूरी है बिफोर गिविंग हिम रजिस्ट्रेशन, तो ऐसे केस में आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर और एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज बाय कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, मतलब कमिश्नर ऑथराइज कर देगा किसी ऑफिसर को विच विल बी असिस्टेंट कमिश्नर और अबव द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रॉपर ऑफिसर उस ऑफिसर की ऑथराइज ऑफिसर की परमिशन लेके उस पर्टिकुलर एसएससी का प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही उसको सर्टिफिकेट देगा। और ऐसे केस में अगेन 7 दिन की जगह टाइम कितना बेटा, 30 दिन का टाइम है टू गिव हिम द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पढ़ लो बेटा, अ प्रॉपर ऑफिसर विद द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर ऑथराइज बाय असिस्टेंट कमिश्नर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट, प्रॉपर ऑफिसर उस ऑथराइज ऑफिसर से परमिशन लेगा, अगर उस प्रॉपर ऑफिसर को लगता है डीम्स इट फिट टू कैरी आउट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस। आई एज मैन नॉर्मल मैंने आधार ऑथेंटिकेशन करवा दिया सब कुछ, पर फिर भी ऑफिसर को लगता है कि मेरे प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन कराना और उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसमें वो असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाला जो ऑथराइज ऑफिसर है उससे पहले परमिशन लेगा और लगता है कि एवरीथिंग इट डिम्स फिट, तो ऐसे केस में मेरे प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा। तो ऐसे केस में अगेन 30 दिन का टाइम है डिपार्टमेंट के पास इशू द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर, तो यहां लिखा है कि द रजिस्ट्रेशन शैल बी ग्रांटेड विद इन 30 डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन इन टर्म्स ऑफ रूल नंबर 25 एंड वेरिफिकेशन ऑफ सच अदर डॉक्यूमेंट्स एज ही मे डीम फिट। क्लियर, तो प्रॉपर ऑफिसर को लगता है वो सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा प्रीमाइसेस का एज पर 25 और उसके बाद ही वो सर्टिफिकेट विद इन 30 डेज, समझे। और हाँ सर, मतलब जो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए फेल हो गए या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई ही नहीं, मतलब ऑप्ट ही नहीं किया, या कोई भी पर्सन जिसके लिए उसको लगता है कि प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना, इन तीनों केस में वो सर ऑफिसर क्या करेगा, उस असेसी के प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा इफ एवरीथिंग इज ओके विद इन 30 डेज। क्लियर, और 30 दिन में अगर उसने कोई एक्शन नहीं लिया तो ऐसे केस में ये मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन पर अप्रूव हो। प्लस ध्यान रखना, ये 30 दिन में जरूरी नहीं कि सर्टिफिकेट मिल जाए आपको, अभी भी उसको लगता है ऑफिसर को कुछ गड़बड़ है तो चाहे तो नोटिस इश्यू कर सकते, यही दोनों लोग यहाँ ए और बी में लिखे वही दोनों लोग यहाँ रिपीट किए। क्लियर, वही दोनों लोग यहाँ रिपीट किए और बोल दिया क्या, देखो फर्स्ट तो कवर हो गया इसमें क्या,
जो फेल हो गया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, जिसने ऑप्ट नहीं किया फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, क्लियर? और बी में कवर हो गया क्या, जिस ऑफिसर के, जिस ऑफिसर के लिए प्रीमाइसेस के फिजिकल वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, ऐसे लोगों के लिए द नोटिस मे बी इश्यूड नॉट लेटर देन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन। मतलब 30 दिन का टाइम है, डिपार्टमेंट या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा इफ एवरीथिंग इज फाउंड ओके, और अगर एवरीथिंग इज नॉट फाउंड ओके तो ऐसे केस में विद इन 30 डेज दे विल सर्व यू अ नोटिस सीकिंग क्लेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, जो भी क्लेरिफिकेशन चाहिए वो मांग सकते हैं, आया ना, क्लियर? और हाँ, ये मान लो नोटिस सर्व हो गया, नॉर्मल लोगों के लिए 7 दिन का टाइम है, याद ना बेटा, नॉर्मल लोगों के लिए 7 दिन का टाइम है, और इन तीन कैटेगरी ऑफ पर्सन के लिए 30 दिन का वक्त है। इन्होंने नोटिस आ गया इनके पास, नोटिस जैसे इनके पास आएगा उसके 7 वर्किंग डे में इनको रिप्लाई देना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड सबमिट करने पड़ेंगे। सबमिट कर दिए बहुत अच्छी बात है, सबमिट नहीं किए 7 दिन में तो इनकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, ऑफिसर मे रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। पर इन्होंने अगर इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी विद इन 7 वर्किंग डे, अब ऐसे केस में नोटिस का रिप्लाई देने के बाद ऑफिसर को टाइम दिया 7 वर्किंग डे का, अगेन कितना, 7 दिन का। अगर एसएससी ने रिप्लाई कर दिया विद इन 7 वर्किंग डे नोटिस का केस में, डिपार्टमेंट अब उस रिप्लाई को कंसिडर करेगा, देखेगा डॉक्यूमेंट करेगा, और विद इन नेक्स्ट 7 वर्किंग डे अगर उनको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा इन फॉर्म नंबर GST RE06, या फिर उनको लगता है एवरीथिंग इज नॉट ओके तो चाहे तो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, आए ना, क्लियर? पर आपने जो नोटिस का रिप्लाई दिया है उसके 7 वर्किंग डे में या तो उनको एप्लीकेशन एक्सेप्ट करनी है और रजिस्ट्रेशन देना है आपको, या फिर रिजेक्ट करना है, दोनों में से कुछ भी नहीं किया, इफ द ऑफिसर फेल्स टू डू सो विद इन 7 वर्किंग डे, देन ऐसे केस में योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, आया ना बच्चों, क्लियर, डन सर। ये जो रूल नंबर 9 सब रूल नंबर 5 था, डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, ये भी मैंने पूरा पढ़ा दिया, ये तीन केस मैंने पूरा पढ़ा दिए। फर्स्ट केस था क्या, नॉर्मल लोग जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन करवा लिया या जिनको आधार ऑथेंटिकेशन जरूरत ही नहीं है उनके लिए 7 वर्किंग डे का टाइम है बेटा, या तो डिपार्टमेंट नोटिस दे देगा या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर पाया तो मान लेंगे अप्रूव। सेकेंड, जिनके आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ या जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया या जिनके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन मैसेज की जरूरत, उन लोगों के लिए 30 दिन का वक्त दिया डिपार्टमेंट को, 30 दिन में डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं किया, ना नोटिस इश्यू किया ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया, मान लेंगे एप्लीकेशन क्या हो गई अप्रूव। थर्ड केस, आपने नोटिस का रिप्लाई दिया और उसके 7 वर्किंग डे में डिपार्टमेंट ने ना सर्टिफिकेट दिया ना आपकी एप्लीकेशन चेक करी तो मान लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन क्या हो गई है। ये तीनों केस मैंने आपको मेन टॉपिक पढ़ा दिए, आई होप पूरी बात समझ में आई और माहौल बन गया, क्लियर, डन। ये आधार वाला सिस्टम भी शायद पूरा आपको समझ में आ गया, क्लियर, डन। तो सर अब एक और लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग आधार। हाँ बच्चों, अभी देखो सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 6D जिसके बारे में अभी हमने 2-3 बार रेफर किया था, ये वो सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है, ये वो सब सेक्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि इन फॉलोइंग लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं रिक्वायर्ड है। कौन कौन से लोगों के यहाँ अमेंडमेंट हुआ है बेटा, यहाँ लास्ट टाइम जो प्रोविजन लिखे थे उसमें लिखा था पर्सन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ इंडिया प्लस जो लोग सेक्शन नंबर 25 सब सेक्शन 6 में कवर नहीं हुआ सब, तो बेटा वहाँ ज्यादा क्लियरिटी नहीं थी, अभी क्लियरिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन को रिप्लेस करके क्लियरली लिख दिया कि इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं करवाना। किन किन को, देखिए ध्यान से, फर्स्ट अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सेकंड अ डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी, अ स्टेटरी बॉडी और अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अ पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर UIN, दैट इज वो याद है बेटा स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ UNO एटसेट्रा। तो सर इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, इसके अलावा सारे लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, क्लियर। और जो मैंने सिस्टम आपको समझाया प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन का जो अमेंडमेंट हुए हैं, क्लियर, उस अकॉर्डिंग इनको आधार ऑथेंटिकेशन करवा के रजिस्ट्रेशन करवाना, क्लियर माहौल। आइए सरकार अगले अमेंडमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम, ये प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो अमेंडमेंट थे रिगार्डिंग आधार खत्म होते हैं। अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस टॉपिक में कुछ अमेंडमेंट हुए, अच्छे अमेंडमेंट हुए, कुछ पॉइंट ऐड किए हैं, देखते हैं हम ध्यान से। सरकार सबसे पहली बात, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जब भी होता है दो तरह से होता है, या तो एसएससी खुद अप्लाई करता है फॉर कैंसिलेशन, या फिर डिपार्टमेंट सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर देता है अगर आपने कोई कॉन्ट्रावेंशन वगैरह की है तो। अब सर वॉलंटरी कैंसिलेशन मतलब एसएससी खुद अप्लाई कर रहा है फॉर कैंसिलेशन, वो कब कब अप्लाई करेगा फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सर्कमस्टेंसेस विद व्हेन
असेसी हिमसेल्फ और इन केस ऑफ डेथ ऑफ द असेसी हिज लीगल हायर्स विल अप्लाई फॉर कैंसिलेशन. किन किन केस में? अगर बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस हो गया, क्लियर ये ऑलरेडी थे, द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22 और 24, ये ऑलरेडी थे बेटा. यहां पर अब कुछ वर्ड्स जो ऐड किए जस्ट क्लियरिटी के लिए किए कि अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था और वो वॉलंटरी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गया था एंड नाउ ही वॉन्ट टू कैंसिल हिज रजिस्ट्रेशन, तो देन ही कैन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन ऑफ हिज वॉलंटरीली रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन. क्लियर? वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. ये पॉइंट यहां ऐड कर दिया. अच्छा बच्चों, ऐसे देखा जाए तो जो पर्सन वॉलंटरीली जीएसटी में रजिस्टर्ड था वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई पहले भी कर सकता था, पर यहां पर अभी इसको एक्ट की अथॉरिटी दे दी. पहले सर रूल में आगे लिखा था जब तक वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने कराया और एक साल जब तक एक्सपायर नहीं होगा तब तक आप कैंसिलेशन नहीं करा सकते, पर इस पॉइंट को 2018 में डिलीट कर देता बेटा. पर एक्ट का अथॉरिटी देने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉइंट यहां पर ऐड कर दिया और लिख दिया क्या सरकार, एनी पर्सन हु इंटेंड्स टू ऑप्ट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली मेड अंडर सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6 सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 3, जिसने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया था वो चाहे तो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकता है. यहाँ पे एक्ट का अथॉरिटी देने के लिए इस पॉइंट को किया, बाकी कोई खास विशेष बहुत भारी कोई चेंज. ओके चलो, एक तो ये पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ बेटा. अब वो सर्कमस्टेंसेस व्हेन प्रॉपर ऑफिसर कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन ऑन हिज ओन. भाइयो यहां पर कुछ पॉइंट ऐड किए, बड़ा अच्छे पॉइंट ऐड किए हैं सर. जहां पर प्रॉपर ऑफिसर लगता है कि इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन किया और इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए, उसके लिए एक रूल दिया था रूल नंबर 21, वहां पर कुछ पॉइंट ऐड किए बेटा. सबसे पहला, फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशन डन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, इन केसेस में ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल कर सकता है. उसमें ये तीन पॉइंट ऐड किए और एक क्लैरिटी के लिए यहां पर और बहुत वर्ड ऐड किया है बेटा. यहां पे पॉइंट क्या था, अगर कोई पर्सन इनवॉइस या बिल इश्यू करता है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोर्थ मिसिंग था, गवर्नमेंट ने क्लैरिटी के लिए यहाँ पे और बोर्थ वर्ड ऐड कर दिया. कोई अमेंडमेंट सर, ही इश्यूज इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोर्थ इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट और रूल्स और मेड देयर अंडर. ठीक है, तो इसमें कोई खास अमेंडमेंट नहीं हुआ और बोर्थ वर्ड ऐड हुआ, खास बात नहीं. यहां पर तो अच्छे पॉइंट ऐड हुए, वो तीनों ऐड हुए, ध्यान रखना एग्जामिनेशन के लिए बड़े अच्छे पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, ये तीन ऑफेंसेस और ऐड कर दिए जहां पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का पावर मिल गया है प्रॉपर ऑफिसर को. कौन कौन से? फर्स्ट, अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 16 ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर. मतलब अगर कोई एसएससी सर आईटीसी अवेल करता है इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 16, तो भी उसका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी. एक काम करो, जो एबीसीडी चार पॉइंट ऊपर वाले वो भी पढ़ लो, सो दैट आपको सारे पॉइंट एक साथ याद. सर कब मैं सारे पॉइंट पढ़ा रहा हूं बेटा आपको. फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशन डन बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, he does not conduct any business from the declared place of business. Second, he issues invoice or bill without supply of goods or service or both in contravention of the provisions of the act or rule. Third, if he violates the provisions of section number 171, that is anti-profiteering measures, then if he violates the provisions of rule number 10A, matlab within 45 days usne bank details update nahi kari registration hone ke. Sir, ye in cases mein to registration uska liable to be cancelled tha hi tha. Acha, dekho beta dekho. क्या पे लिखा था, ही इश्यूज द इनवॉइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस. बोगस बिल इश्यू कर रहा है, अब उस बोगस बिल के बेस पे कोई आईटीसी ले रहा है वो भी गया. पॉइंट नंबर ई, अवेल्स इनपुट टैक्स क्रेडिट इन वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 16 ऑफ द एक्ट और रूल्स मेट देयर अंडर. मतलब गुड्स रिसीव नहीं हुआ, बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट ले लिया, या फिर सर गुड्स आया है ना, सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, आप क्रेडिट ले जा रहे हो बेटा. सर किसी भी तरह से आपने सेक्शन नंबर 16 को वायलेट करके अगर आईटीसी गलत लिया है तो गए बेटा, रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड. देन पॉइंट नंबर एफ, फर्निशेस द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म नंबर जीएसटी आर 1 अंडर सेक्शन नंबर 37 फॉर वन और मोर टैक्स पीरियड्स व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई इज डिक्लेयर्ड इन सेक्शन इन जीएसटी आर 3B, जो रिटर्न आप फाइल करो बेटा, इज डिक्लेयर्ड बाय हिम इन हिज वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 फॉर द सेड टैक्स पीरियड. अब क्या हो रहा पता है, लोग क्या करें देश के अंदर, जीएसटीआर 1 सबमिट करेंगे, इधर से हमने जीएसटीआर 1 सबमिट किया, रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2A में वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट करेगी, और रेसिपिएंट के 2A में अगर वो क्रेडिट रिफ्लेक्ट कर गई तो क्रेडिट ले लेगा बेटा, और इधर हमने जीएसटीआर 3B के अंदर वो टैक्स जमा कराया ही नहीं था, 3B सबमिट किया पर 3B के अंदर हमने सेल्स कम दिखाई. मैं सप्लायर हूं, मान लो मैंने अपने जीएसटीआर 1 में 1 करोड़ का सेल्स दिखाया और जब उसी महीने का मैंने 3B फाइल किया तो 3B में मैंने केवल
30 लाख की सेल दिखाई और 30 लाख की सेल पे मैंने टैक्स पे कर दिया, तो हुआ कैसे बेटा? मेरे 3B के अंदर सिंस मैंने, क्योंकि 3B मैनुअल है बेटा, मैनुअल मतलब उसका वन से लिंक नहीं है सर, मैंने 3B के अंदर सेल्स दिखाई है 30 लाख की और उसके अकॉर्डिंग जो टैक्स बनता वो पे कर दिया, और वन में मैंने एसटीआर वन में मैंने 1 करोड़ का सेल दिखा के उसमें इनवॉइसेस पंच किए और रेसिपिएंट को क्रेडिट जो मिल रहा है वो तो 1 करोड़ के बिल के पैसे मिल रहा है और मैंने टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराया कितना 30 लाख पे। वाह भाई होशियार अपन अकेले है क्या? मतलब कस्टमर को क्रेडिट मिले जा रहा है और इधर सरकार को हम टैक्स पे कर ही नहीं रहे, मजे ले रहे हो गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट बोल हम अब तुम्हारे मजे लेंगे और रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड सर। फर्निशेस द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन फॉर्म नंबर GSTR 1 अंडर सेक्शन 37 फॉर वन और मोर टैक्स पीरियड्स व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज डिक्लेयर्ड बाय हिम इन हिज वैलिड रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39 ऑफ द सेड टैक्स पीरियड। क्लियर? वन और मोर टैक्स पीरियड के लिए उसने 3B के अंदर रिटर्न के अंदर अपना टर्नओवर कम दिखाया, सेल्स कम दिखाई आउटवर्ड सप्लाई की, उधर वन में बहुत ज्यादा दिखा रखी थी, गए भाई आप। लास्ट वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 86B जो अभी अभी हमने थोड़ी देर था बेटा, जो था ना बेटा 99% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के थ्रू टैक्स पे नहीं कर सकते हो जिनका वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज इज मोर देन ₹50 लाख इन अ पर्टिकुलर मंथ, और उसने अगर वो प्रोविजन को नहीं किया वायलेट किया तो हिज रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। क्लियर? डन। ये 3 प्रोविजंस ऐड हुए फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जहां पे प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटू आपका रजिस्ट्रेशन है। माहौल सरकार। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जहां अमेंडमेंट था प्रोसीजर फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, पर हां सर इसमें जब देखेंगे आप तो यहां पर एक रूल नंबर 21A दिया है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वहां पे एक रूल नंबर 21A में सब रूल नंबर 2A ऐड हुआ है, बस उसका रेफरेंस एक दो जगह आया बेटा है ना, जो नोटिस का रिप्लाई देते हो अंडर सेक्शन नंबर अंडर रूल नंबर 22(1) या रूल नंबर 21A सब रूल नंबर 2A उसका रेफरेंस दिया, तो वो आप 21A का सब रूल नंबर 2A समझेंगे तो समझ में अपना आ जाएगा। ओके तो चलो सर हम रूल नंबर 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन एक बार थोड़ा सा हम ब्रीफ कर लेते हैं, फिर उसमें अमेंडमेंट क्या हुआ उसकी बात करते हैं। सुना सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पहले मैं थीम समझाऊंगा कि क्या होता है आखिर ये। सर जब भी असेसी कैंसलेशन के लिए अप्लाई करता है रजिस्ट्रेशन कैंसलेशन के लिए तो उसका रजिस्ट्रेशन एक बार क्या हो जाता है सस्पेंड। सस्पेंड मतलब अभी फाइनली कैंसल नहीं हुआ है, सस्पेंड किया है जब तक कि ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन वेरीफाई नहीं करेगा, सब कुछ एवरीथिंग इज फाउंड ओके, जब तक वो ऑर्डर पास नहीं करेगा फॉर कैंसलेशन, उस पीरियड के लिए ये मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी, उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया सस्पेंड हो। सेकेंड केस जब ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन क्या करता है कैंसल, तो सर यू नो हिंदुस्तान अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज ऑलवेज गिवन टू दी एवरी पर्सन इन द कंट्री, भाई कसाब को भी जब अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया तो इस तरह के ऑफेंस करने वाले लोगों ने कौन सा बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। तो सर कभी भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ता है प्रॉपर ऑफिसर को, तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा साहब, जब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो कैंसिल करने से पहले एक बार क्या कर देगा सस्पेंड कर देगा, सस्पेंड करा और आपको नोटिस आ जाएगा भैया इन इन रीजन से हम आपका रजिस्ट्रेशन क्या करें सस्पेंड, आप हमको रीजन बताओ कि व्हाई योर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल्ड। क्लियर? उसका आप रिप्लाई देंगे, उसके बाद डिपार्टमेंट को लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके ये वो, तो आपका सस्पेंशन विड्रॉ कर देगा और आपका रजिस्ट्रेशन वापस एक्टिव कर देगा, और उसको लगता है नहीं सर आपका जो रिप्लाई है सही नहीं है, तो फिर वो ऑर्डर पास करेगा फॉर कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन After giving you opportunity of being heard, clear? और उसके बाद वो आपका रिप्लाई देखने के बाद क्या कर देगा अपना फाइनल ऑर्डर पास कर देगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है कि नहीं। क्लियर? ये सिस्टम होता है। और सर अगर उसने कैंसिल करना है, सर ध्यान रखना बेटा पहली बात तो जब वो कैंसिलेशन करेगा तो ये जब टाइम चल रहा ना बेटा, आपको नोटिस भेजा है, आपका रिप्लाई आएगा, फिर कंसिडर करेंगे और फिर फाइनलाइज करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है कि नहीं करना, इस पीरियड के बीच में क्या होगा रजिस्ट्रेशन एक्टिव है कि नहीं, उसको बोलते हैं सस्पेंड। तो सर जैसे ही ऑफिसर लगता है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहिए तो पहले क्या करेगा सस्पेंड, उसके बाद अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी आपको, सब कुछ सुना आपका मैटर ये वो सब कुछ आपका रिप्लाई आया, उसके बाद फाइनल डिसीजन होता है कि सस्पेंड रखना कि आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव करना है कि नहीं करना, मीनवाइल योर रजिस्ट्रेशन इज सस्पेंडेड। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट सिखाया अभी अमेंडमेंट नहीं पढ़ा है। क्लियर? अच्छा जब भी सस्पेंड होता है आपका रजिस्ट्रेशन उस टाइम उस पीरियड में आप कोई रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हो, कस्टमर को कोई टैक्स इनवॉइस इश्यू करके टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो, ये ड्यूरिंग सस्पेंशन होता है। अब जब रजिस्ट्रेशन आपका फाइनली कैंसिल हो गया तो पिक्चर खत्म बेटा, और अगर रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल नहीं हुआ और एक्टिव हो गया वापस है
तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ सस्पेंशन जितनी भी सप्लाई आपने करी है उन सब कस्टमर्स का आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इश्यू करके सर उनसे टैक्स ले सकते हो और उस कस्टमर को उस रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट मिल जाएगा। प्लस सर जो आप रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंशन विड्रॉ हुआ, रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो गया, उसके बाद जो रिटर्न सबमिट करेंगे उसमें ये सारे इनवॉइसेस की इन्फॉर्मेशन फर्निश करके टैक्स पे करेंगे एज इफ इट इज अ फर्स्ट रिटर्न। क्लियर? ये सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन का पूरा सिस्टम मैंने आपको वापस से रिवाइज करा दिया। अब यहां अमेंडमेंट किया हुआ है, सुनना सबसे पहली बात, रूल नंबर 21 ए सब रूल नंबर 2 जहां बोलता है प्रॉपर ऑफिसर जब सुओ मोटो आपका रजिस्ट्रेशन क्या करता है, सस्पेंड करता है, कैंसिल करता है। वो कैंसिल करने से पहले क्या करेगा, सस्पेंड। तो सर यहां पे लिखा हुआ था कि सस्पेंशन से पहले भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी पड़ेगी ऑफिसर को, पर सर डिपार्टमेंट ने देखा कि हम सस्पेंड कर रहे हैं वो अपने आप में ही क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, तो सस्पेंशन से पहले एक और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट क्यों दे, इसलिए इन वर्ड्स को डिलीट कर दिए। देखो बेटा ध्यान से मैं तुम्हें समझाता हूं, आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, वर्ड्स को डिलीट कर दिए। मतलब अभी भी प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन क्या करेगा, कैंसल, तो कैंसल करने से पहले वो क्या करेगा, सस्पेंड कर देगा, पर सस्पेंशन से पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने की जरूरत, अब सस्पेंड कर दिया, फिर आपको रीजन पूछे जाएंगे कि बताओ हम आपका रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल ना करें। सस्पेंशन करना अपने आप में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जस्टिस तो है बेटा, दो बार आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ट क्यों दे, इसलिए एक बार सस्पेंड वो कर देगा विदाउट गिविंग यू अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, उसके बाद आपका तो रिप्लाई आएगा उसको वो कंसिडर। क्लियर, समझे मेरी बात बच्चों? तो सर देखिए ध्यान से पढ़ लो सब रूल नंबर 2 को, आपको पढ़ना, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज रीजन टू बिलीव दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्सन इज लायबल टू बी कैंसिल्ड अंडर सेक्शन नंबर 29 और रूल नंबर 21, तो रूल नंबर 21 हमने पढ़ा, देन ही में डायरेक्टली, ही में डायरेक्टली पढ़ लो, वर्ड्स डिलीट हो गए इसको मत पढ़ो, ही में सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन ऑफ सच पर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट टू बी डिटरमाइंड बाय हिम पेंडिंग द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसीडिंग्स फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। मतलब कैंसिलेशन करने से पहले वो क्या कर देगा, सस्पेंड कर देगा, और आपको सस्पेंड करने से पहले अपॉर्चुनिटी नहीं। फिर देखिए मैंने यहां लिखा भी अपने दिस ओमिटेड वर्ड्स गिविंग पावर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ए डन, कोई खास बात नहीं बेटा। ओके सरकार, अब आइए जो सब वो एक खास बात ऐड हुई है जिसका मुझे लगता है कि क्वेश्चन बनना चाहिए एग्जाम के अंदर, मुझे तो खैर हर टॉपिक लगता है जिसका एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए, पर फिर भी ये बड़ा अच्छा पॉइंट है सर। अगेन अगेन जो लोग अभी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सरकार क्या कर रहे हैं, GSTR 1 में सेल्स कुछ और दिखा रहे हैं तो दैट कस्टमर को क्रेडिट मिल जाए, इधर अपने 3B के अंदर सेल्स कुछ और दिखा रहे हैं, और इधर हमारे कस्टमर्स सॉरी हमारे सप्लायर्स ने जो GSTR 1 सबमिट किया उसकी वजह से हमारे 2A में जो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो कुछ और ही आ रहे हैं, आया ना। तो इस तरह की गड़बड़ करने वाले लोगों के लिए ये पॉइंट सब रूल नंबर 2 है। क्या बोला बेटा यहाँ पे, क्या करेंगे ये लोग, देख रूल नंबर 21A सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे बोल दिया है बेटा कि डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके रिटर्न्स को GSTR 1 को और आपके इनवर्ड सप्लायर के जो GSTR 2A बना होगा, तो सप्लायर्स ने GSTR 1 सबमिट किया मेरे 2A में आया होगा, उसको मेरे GSTR 1 को और मेरे 3B को तो वो कंपेयर करेंगे और देखेंगे उनको कुछ मतलब यू नो गड़बड़ पाई गई, एनोमलीज पाई गई बेटा, डिस्क्रिपेंसीज पाई गई, तो ऐसे केस में प्लस पावर है क्या कर देंगे, मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे और मेरे को मेरे ईमेल आईडी पर सर वो एक नोटिस भेज देंगे, नोटिस में लिख के बोलेंगे भाई एक्सप्लेन कर व्हाई योर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल्ड, हमको लगता है कि ये गड़बड़ हुई है और इन एनोमलीज की वजह से, इन डिस्क्रिपेंसीज की वजह से हमने आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, नाउ गिव अस अ रिप्लाई दैट व्हाई योर रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसल्ड, आप जस्टिफाई करिए गड़बड़ नहीं है तो क्यों नहीं है, मतलब क्या नहीं है गड़बड़, हो सकता है हमने कुछ गलत इंटरप्रेट किया हो, आप अपना रिप्लाई देके हमें समझाइए कि यस यू आर करेक्ट, या अगर कोई गड़बड़ हो गई तो उसको रेक्टिफाई कर दो, रेक्टिफाई करके हमको बता दो कि साहब जैसे रिटर्न फाइलिंग करना पेंडिंग था आपका, रिटर्न फाइल किया, टैक्स पे किया, इंटरेस्ट लेट फी वगैरह पे गई, जमा करे, काम खत्म, और फिर रिप्लाई कर दो हमको, हम आपका रजिस्ट्रेशन फाइल कर देंगे। क्लियर, वो ये सब सेक्शन पे ऐड खत्म। क्लियर, पढ़ लो बेटा, वेयर अ कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न्स मतलब 3B फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन नंबर 39, उस 3B को कंपेयर किया किससे बेटा, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड इन द फॉर्म नंबर GSTR 1, या फिर डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई डिराइव
बेस्ड ऑन डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फर्निश्ड बाय हिज सप्लायर इन फॉर्म नंबर GSTR1। भाई मेरे सप्लायर से GSTR1 सबमिट किया होगा, मेरे 2A में आया होगा, उसको कंपेयर किया 1 से, या फिर मेरे 3B को कंपेयर किया 1 से। अरे हाँ है ना बच्चों, तो मैंने जो रिटर्न सबमिट किया, मैंने जो रिटर्न 3B में सबमिट किया उसको कंपेयर किया GSTR1 या मेरे 2A से, और उसमें डिस्क्रिपेंसी पाई गई। मेरा 2A में क्रेडिट आ रही थी केवल 1 लाख, मैंने क्रेडिट ली 10 लाख की। 2A में क्रेडिट आ रही 1 लाख की, और मैंने क्रेडिट कितना लिया, 10 लाख का क्रेडिट लिया है। मतलब मजे ले रहा जिंदगी में, प्रोविजनल क्रेडिट अलाउड है पर 5% अलाउड है ना मैक्सिमम बेटा, क्लियर? या फिर मेरे 1 में टर्नओवर कुछ और ही बहुत ज्यादा है, सो दैट कस्टमर को क्रेडिट बहुत ज्यादा मिल जाए, और 3B के अंदर टर्नओवर मैंने बहुत कम दिखा रखा जिस पर टैक्स मैंने बहुत कम पे किया हुआ बेटा, समझे मेरी बात? तो इस तरह के कंपैरिजन से पता पड़ा कि भाई मामला गड़बड़ है। या फिर सच अदर एनालिसिस एज में बी कैरिड आउट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल शो दैट देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस और एनोमलीज इंडिकेटिंग कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड थेरअंडर। जैसे साफ दिखता है कि इसने रूल्स या प्रोविजन एक्ट को कॉन्ट्रावेन किया है, लीडिंग टू कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेड पर्सन, तो ऐसे केस में हिज रजिस्ट्रेशन शैल बी सस्पेंडेड और सेड पर्सन शैल बी इंटीमेटेड इलेक्ट्रॉनिकली। सर उसको इलेक्ट्रॉनिकली जीएसटी कॉमन पोर्टल पे या फिर सेंडिंग कम्युनिकेशन टू हिज ईमेल एड्रेस आया ना भाई, उसको कम्युनिकेट कर देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया ड्यू टू दीज एनोमलीज। आप एक्सप्लेन करो हमें कि सर गड़बड़ है या नहीं है। एयर ऑब्वियसली आप तो ये जस्टिफाई करने की कोशिश करो गड़बड़ नहीं है, खुद भी ये चाहते हैं, हम ही चाहते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें। हमको लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू टू सेफ गार्ड द गवर्नमेंट रेवेन्यू आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए सो दैट गड़बड़ ज्यादा नहीं हो। सर ऐसे केस में हम आपको क्या कर देंगे, नोटिस भेज देंगे हाईलाइटिंग द सेड डिफरेंसेस और एनोमलीज एंड आस्किंग हिम टू एक्सप्लेन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। आपको 30 दिन के अंदर रिप्लाई देना पड़ेगा एज टू व्हाई हिज रजिस्ट्रेशन शैल नॉट बी कैंसल्ड। सर जैसे ही आपके रिटर्न्स को और आपके 2A को, रिटर्न्स को और GSTR1 को सर उन्होंने एनालाइज किया और चेक किया, वेरीफाई किया उनका मामला गड़बड़ है, ऐसे केस में आपको नोटिस टिका देंगे, और नोटिस टिका गड़बड़ में करो साहब, और हमको एक्सप्लेन करो विद इन नेक्स्ट 30 डेज कि आपका रजिस्ट्रेशन चल क्यों ना करे, एक बार तो सस्पेंड कर। आपको पता है सस्पेंशन से पहले शो कॉज नोटिस देने की जरूरत नहीं है, सस्पेंशन से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने, सस्पेंशन अपने आप में क्या है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, क्लियर? तो सर ये सब रूल नंबर 2A ऐड हुआ। अच्छा अब ध्यान रखना, एक सस्पेंशन हुआ ऑफिसर ने जो सस्पेंशन किया ड्यू टू प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 21 या सेक्शन नंबर 29 में जो रीजंस लिखे थे उसकी वजह से आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ, क्लियर? सेकंड, ये आपके रिटर्न्स को एनालाइज किया और पता पड़ा कि मामला गड़बड़ है तो आपका सस्पेंड। तो ऐसे केस में सर अब एसएससी क्या करेगा, रिप्लाई देगा। सर आगे जितने भी प्रोसीजर पार्ट दे रखे सब में जहां पे भी रिप्लाई के लिए सबसेक्शन सब रूल नंबर 2 रेफर किया था, वहां सब रूल नंबर 2 और सब रूल नंबर तो ऊपर भी बेटा आपको नोटिस का रिप्लाई देना है, नोटिस विच इज इश्यूड टू यू एज पर रूल नंबर 22 सब रूल नंबर 2 और इस इश्यूड अंडर रूल नंबर 21 ए सब रूल नंबर 2। सर हर जगह वो रेफर में आ गया है 21 ए, क्लियर? सेम में देख लो बेटा, यहां पर और 2A वर्ड ऐड कर दिया, आपका सस्पेंशन हुआ है इधर इन सबसेक्शन 1 सब रूल नंबर 1 सब रूल नंबर 2 और सब रूल नंबर 2A सब जगह, यहां पे भी प्रोविजन सस्पेंशन रेफर होते हैं वहां 2A भी रेफर, क्लियर? तो मतलब कुल मिलाकर आपका रजिस्ट्रेशन अगर सस्पेंड हुआ है तो सर यू शैल नॉट मेक अ टैक्सेबल सप्लाई, भले आपने खुद ने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था, ऑफिसर ने कैंसिल किया या सब रूल नंबर 2A की वजह से सस्पेंड हुआ। सर इन तीनों केस में आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सस्पेंड। सस्पेंशन के टाइम पे आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते, आप टैक्स इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्लियर? प्लस एक बड़ा अच्छा सब रूल नंबर 3A ऐड किया है, बोल दिया कि सब रूल नंबर 2 या सब रूल नंबर 2A मतलब वो दोनों केस जहां पे प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन क्या करता है, सस्पेंड। देखो सब रूल नंबर 1 जो था ना बेटा, ये रूल नंबर 21A सस्पेंशन चल रहा है बेटा, उसका सब रूल नंबर 1 जो है उसमें तो एसएससी खुद अप्लाई कर रहा है फॉर कैंसिलेशन अगर उसका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया या किसी और कारण से। सब रूल नंबर 2 और सब रूल नंबर 2A वो है, सब रूल नंबर 2 सब रूल नंबर दोनों वो है जहां प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन है सस्पेंड ऑन हिज ओन। तो ऐसे केसेस में बोल दिया जब तक आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ हुआ है यू कैन नॉट अप्लाई फॉर एनी रिफंड, आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन नंबर 54। माहौल रिफंड बैन कर दिया, मतलब आप गड़बड़ करते हुए पकड़ाए गए तो इमीडिएटली आपका रिफंड भी क्या हो जाएगा, बैन हो जाएगा, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन क्या हुआ, सस्पेंड, नाउ यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रिफंड। पढ़ लो बेटा सब रूल नंबर 3 अभी ऐड हुआ है, अ रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सस्पेंडेड अंडर सब रूल नंबर 2 और सब रूल नंबर 2A शैल नॉट बी ग्रांटेड एनी रिफंड अंडर
सेक्शन नंबर 54, भले वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड हो या जीरो रेट सप्लाई वाला रिफंड हो या कोई और रिफंड हो, सेक्शन नंबर 54 में कोई रिफंड नहीं मिलेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ऑफ हिज रजिस्ट्रेशन। आपका रजिस्ट्रेशन वापस एक्टिव हो जाएगा तो जो भी रिफंड पेंडिंग थे वो मिल जाएंगे हमें। ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको भाई कोई रिफंड नहीं मिलेगा। क्लियर, डन। अच्छा, बाकी सब जगह पे जहां जहां पे सब रूल नंबर 1 2 रेफर था वहां 2A भी रेफर किया, कोई खास बात नहीं। अब देखो बेटा, एक और लिख दिया बेटा, जहां पे भी ऑफिसर को लगता है कि ठीक है यार इसका सस्पेंशन अब नहीं रहना चाहिए, एवरीथिंग इज ओके सर, प्रोवाइडेड दैट, यहां लिख दिया बेटा, प्रोवाइडेड दैट द सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर दिस रूल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर ड्यूरिंग एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर कैंसिलेशन इफ इट डीम्स। सर ऑफिसर लगता है कि आपने कंप्लाई कर दिया है, रिटर्न वगैरह फाइल कर दिए, एवरीथिंग इज ओके, या उसको लगता है कि नहीं नहीं इसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव कर देना चाहिए, तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया तो उसको क्या कर देगा, रिवोक कर देगा। क्लियर, ठीक सर, क्लियर माहिल, क्लियर माहौल। तो सर ये था आपका रूल नंबर 21A, रूल नंबर 21A जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन था उसमें ज्यादा चेंजेस है। बड़ा अच्छा पॉइंट एट है सब रूल नंबर 2A, सब रूल नंबर 2A में साफ साफ बोल दिया है क्या आपका रजिस्ट्रेशन, अगर आपके रिटर्न को हमने कंपेयर किया और मामला गड़बड़ पाया गया तो। क्लियर, और एक और पॉइंट जो बड़ा अच्छा ऐड हुआ है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन, जब प्रॉपर ऑफिसर ने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया ऑन हिज, ऐसे केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा अंडर सेक्शन 50। ठीक है, डन सर। अब आइए सर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सुना बेटा, अब इस रूल में क्या अमेंडमेंट हुए, 30 रेडवुड रूल 3। सुना बेटा, पहले मैं इसका बैकग्राउंड तैयार कर लेता हूं आपके लिए, माइंडसेट, फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चों क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन सस्पेंशन था, सब कुछ था, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी आपको, और आप अपने आप को जस्टिफाई करने में फेल हो गए, अल्टीमेटली आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसल। अल्टीमेटली योर रजिस्ट्रेशन वॉज कैंसल्ड। अब सर पता है जैसे मैंने आपको समझाया लेक्चर्स के अंदर, रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना मतलब जिंदगी बंद हो जाना आपकी, खत्म। रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया मतलब अब आप कस्टमर से कोई टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, यू कांट इश्यू एनी टैक्स इनवॉइस, जो भी परचेस कर रहे हो उसका कोई क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ध्यान रखना, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और आपका टर्नओवर अगर मोर देन रुपीज 20 ले गया, 40 ले गया, 10 ले गया, ऐसे केस में भी थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा था और फिर भी आप सप्लाई कंटिन्यू करते हो, मींस यू आर लायबल टू रजिस्टर, पर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, तो 100% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व पेनल्टी भी लगेगा आपको बेटा। और सर ध्यान रखना, जो सप्लाई आप करते हो जिस पर टैक्स लगना है, आप रजिस्टर्ड नहीं हो क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, तो टैक्स भी गवर्नमेंट को जमा कराना है, टैक्स भी पे करना है, उतने उतने अमाउंट का पेनल्टी भी पे करना है, और परचेज जो भी टैक्स पे किया उसका ITC भी नहीं मिलना, और वो टैक्स जो आपको पे करना है वो कस्टमर से रिकवर भी नहीं कर सकते बिकॉज यू नॉट रजिस्टर्ड। तो इज ओवर नाउ, कैंसिल होना रजिस्ट्रेशन इतना इंपैक्टफुल होता है। इसलिए जैसे ही कैंसिलेशन का ऑर्डर आया डिपार्टमेंट की तरफ से कि नहीं आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कैंसिल, आपको क्या लगता है, नहीं साहब बर्बाद हो जाऊंगा सर, प्लीज जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो सर आपको एक ऑप्शन दिया कि विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जिस दिन आपको वो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन रिसीव हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है, उसके 30 डेज के अंदर अंदर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो कि प्लीज सर मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन जो आपने किया उस ऑर्डर को रिवोक कर दो और मेरा रजिस्ट्रेशन क्या कर दो, लाइव कर दो, एक्टिव कर दो। आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई करने के लिए टाइम कितना बेटा, 30 डेज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कैंसिलेशन ऑफ सर्विस। हमेशा टाइम लिमिट जो काउंट होती है वो जब आपको नोटिस ऑर्डर रिसीव होता है वहां से, तो जब आपको ऑर्डर रिसीव हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। उस टाइम लिमिट में थोड़ा सा और रिलैक्सेशन दिया है और वहां पर एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर को पावर दे दिया कि वो चाहे तो 30 डेज के लिए टाइम आपको और बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आपके पास सफिशियंट कोज था, रीजनेबल रीजन थे जिसकी वजह से आप रिवोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाए विद इन 30 डेज, तो एडिशनल कमिश्नर या जॉइंट कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपको 30 मोर डेज का टाइम दे सकता है, 30 दिन और, 30 डेज प्लस 30 डेज, और उससे भी ज्यादा लेट अगर आप हो गए और आपके पास रीजनेबल रीजन था, सफिशिएंट कॉज थे, तो कमिश्नर को पावर दिया कि वो फर्दर 30 दिन का टाइम और दे सकता है आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस इन राइटिंग कि ऐसे क्या स्पेशल रीजन थे जिसकी वजह से आप
30 डेज के अंदर नहीं आ पाए, फिर 30 डेज का टाइम दिया था जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर को, उस टाइम में भी नहीं आ पाए, सर ऐसा क्या हो गया था? वो रीजंस लिखेगा कमिश्नर, उसके बाद 30 मोर डेज तक का टाइम आपको, क्लियर? तो 30 डेज प्लस 30 डेज प्लस 30 डेज का टाइम हो गया है फॉर एप्लीकेशन और रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्लियर? डन माहौल सरकार, ये आपका रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन से रिलेटेड, ये अब क्लियर? ये कैंसिलेशन, ये रजिस्ट्रेशन के जितने भी प्रोविजंस थे उनमें जहां जहां अमेंडमेंट थे सारे कवर माहौल के साथ। आइए टीडीएस सेक्शन 51, इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है सर, पता है? टीडीएस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, लोकल अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, जिनको आप टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹2.5 लाख सप्लाई कर रहे हो, वैल्यू शुड बी विदाउट जीएसटी, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, एक्सीडिंग ₹2.5 है, 2.5 लाख, ऐसे केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट या जो भी पर्सन है रेसिपेंट वो टैक्स डिडक्ट करेगा एट द रेट ऑफ 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी और इंटरेस्टेड है तो 2%, क्लियर? प्लस यहां पे एक प्रोविजन था कि मंथली बेस पे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक वो टीडीएस जमा कराएंगे और रिटर्न सबमिट करेंगे, पर वहां पे एक प्रोविजन और लिखा था कि टीडीएस पे करने के 5 डेज के अंदर उनको टीडीएस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा टू दी टीडीएस डिडक्टी जिसका टैक्स उन्होंने काटा है बेटा, है ना, सप्लायर को टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और अगर 5 दिन के अंदर टैक्स जमा होने के 5 दिन के अंदर अगर टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया तो ऐसे केस में सर 100 रुपी पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5,000 वाज द पेनल्टी ऑन सच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एटसेट्रा टू टीडीएस डायरेक्ट, पर सर इस प्रोविजन को अमेंड कर दिया है क्योंकि ये प्रोविजन काम का नहीं था। टीडीएस सर्टिफिकेट मतलब टीडीएस सर्टिफिकेट देना सप्लायर को इसका टैक्स काटा है, तो वैसे भी क्या हो रहा है, जैसे वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे अपना टीडीएस का रिटर्न जीएसटीआर 7 सबमिट करेंगे ऑटो पॉपुलेट हो गया इंफॉर्मेशन, वैसे भी सर सप्लायर के जीएसटीआर 2 में जा रही थी प्लस उसका टीडीएस जो रिटर्न होता है उसमें क्रेडिट हो रहा था अमाउंट, बेटा इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में अमाउंट जाता है, वो एक्सेप्ट करेगा जो सप्लायर है वो एक्सेप्ट करता है ऑनलाइन पोर्टल पे, और जो टीडीएस का अमाउंट होता है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में आ जाता है बेटा। तो टीडीएस सर्टिफिकेट स्ट्रिंजेंट होने का कोई सेंस नहीं बन रहा था, इसलिए उन प्रोविजन डिलीट कर दिए और वहां पे एक छोटा सा सिंपल एक प्रोविजन देखना ध्यान से, बस टीडीएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग पॉइंट अमेंडमेंट हुआ है, बाकी कोई अमेंडमेंट नहीं है टीडीएस। देखो बेटा ये बैरेट पोर्शन है सेक्शन 51, उसका बैरेट पोर्शन सबसेक्शन नंबर फोर में पेनल्टी का प्रोविजन दिया था कि टीडीएस सर्टिफिकेट अगर 5 दिन में सबमिट नहीं किया तो हम इतना पेनल्टी लगा देंगे, पूरा प्रोविजन डिलीट कर दिया, क्लियर? सबसेक्शन 3 उसकी वर्डिंग भी चेंज कर दी और देखो क्या लिखा, अ सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स शैल बी इश्यूड इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, मतलब गवर्नमेंट रूल्स बना देगा और उसके अकॉर्डिंग उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में और उस प्रिस्क्राइब मैनर में इनको टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, बस इतना सा लिख दिया। पहले क्या था बेटा, द टीडीएस डायरेक्टर शैल फर्निश टू द डिडक्टी अ सर्टिफिकेट मेंशनिंग देयरिंग द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, रेट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट डिडक्टेड, अमाउंट पेड टू द गवर्नमेंट एंड सच अदर पर्टिकुलर्स एज में भी प्रिस्क्राइब इन सच मैनर, है ना, ये पूरा डिलीट करके सिंपल साइन ऑन लिख दिया, अ सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्शन शैल बी इशूड इन सच फॉर्म एंड इन सच मैनर एज में भी प्रिस्क्राइब, बस दैट्स इट, क्लियर? ये तो पेनल्टी प्रोविजन डिलीट कर, है ना, सबसेक्शन 4 डिलीट हुआ और इसको ही आगे मैंने जो अपन वो तो बैरेट पोर्शन था एनालिटिकल व्यू में जहां लिखते हैं वहां भी मैंने आपको पेज दिया, सो दैट आपको दोनों जगह चेंज करना रहेगा, एक तो बैरेट पोर्शन में और एक एनालिटिकल व्यू जो ये भी मैंने आपको रिपीट करके दिया। तो टीडीएस सर्टिफिकेट नोट पनिश बाय डायरेक्टर ये पूरा ओमिट कर दिया है बेटा, और टीडीएस सर्टिफिकेट टीडीएस सर्टिफिकेट का जो प्रोविजन मैंने रिपीट कर दिया और पुराने प्रोविजन डिलीट कर दिया, ये दोनों जगह आप अपनी बुक कोई खास अमेंडमेंट एक तरह से redundant प्रोविजन को जो काम का प्रोविजन नहीं था उसको हटा दिया रिप्लेस और सिंपली क्लियर, ये टीडीएस के रिगार्डिंग प्रोविजन यहाँ पे चेंज होता टीडीएस सर्टिफिकेट के, क्लियर? अच्छा टीसीएस में कोई अमेंडमेंट नहीं है बच्चों, क्लियर? पेमेंट ऑफ टैक्स में उस चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है पूरा, सर मेगा एग्जम्पशन लिस्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं, रजिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया जो चेंजेस थे, क्लियर? टीडीएस में एक छोटा सा सर्टिफिकेट को लेकर प्रोविजन हुआ वो हमने पढ़ लिया, TCS में कोई चेंज नहीं, चैप्टर नंबर 11 पेमेंट ऑफ टैक्स में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, अब जब हम पढ़ेंगे आगे वो टैक्स इनवॉइस चैप्टर में जहां अमेंडमेंट हुए वो हम देखेंगे, पर हाँ एक काम करते हैं
ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू आगे के अमेंडमेंट, सो दैट आपको अच्छे से यहाँ तक अमेंडमेंट आप रिवाइज कर ले, फिर नेक्स्ट लेक्चर देखें और माहौल करते जाएगा। और हाँ सर, अमेंडमेंट्स को केवल याद नहीं करते फिर पर, हाँ एट द सेम टाइम आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है। अमेंडमेंट के नाम पे जो बहुत सारे लोग डराते हैं डरते हैं, जरूरत नहीं बेटा, मस्त रहो, मस्तों के पढ़ो। आपने और हमने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ माहौल बनाते हुए, अगर आपको अमेंडमेंट्स में तो शायद सारे पॉइंट आराम से लिंक। ओके चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद, थैंक यू सो मच।